सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फिलहाल सुबह का 5 बज रहा है। बड़ा आप लोग के प्यार ने मुझे बेसिकली जगा दिया और मैंने सोचा कि चलिए फटाक से पहले जाके है ना एक चैप्टर का या जल्दी से वन शॉट बनाते हैं, बिकॉज क्या है कि हमारे बोर्ड एग्जाम अप्रोच कर रहे हैं। तो ये हमारी 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक, तो फटाफट चलते हैं इंडेक्स की तरफ। एक सेकेंड, फटाक से लेट्स स्किप टू इंडेक्स। सो यहाँ पर जो है इंडेक्स में, हाँ, हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसकी डिमांड आ रही है। सो कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने डाला है कि सर मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका पुराना नाम यही है। ओल्ड सिलेबस में भी और फिर सीबीएसई के सिलेबस में भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करके इसका नाम दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इट्स ओके, नाम में क्या रखा है, कंटेंट बिल्कुल सेम है। सो चले जाते हैं इस पेज पर फटाक से। ओके कम ऑन, कहां पर है भाई, आ जाओ। सो मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा इसका मतलब क्या है? पहली बात तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए एक्चुअल में सीन ऐसा है कि है ना, ये बात अब आप हमेशा के लिए जान लीजिए कि अगर एक चार्ज है, एक चार्ज जो कि रुका हुआ है, एक चार्ज रुका हुआ है, तो उसके पास है ना एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वो चार्ज को हम चलाना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है। क्या आ जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि चलता हुआ चार्ज है ना सिर्फ चार्ज नहीं है बल्कि वो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द बनती है। इलेक्ट्रिक करंट से करंट के इर्द गिर्द उसके आसपास बनती है मैग्नेटिक फील्ड। सो रुका हुआ चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, करंट्स हैं वी गेट दी मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। ठीक है, सो याद रखिए इस बात को, समझिए। तो यही तो हमें पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और कौन से डायरेक्शन में, मतलब यानी कि करंट फ्लो करेगा तो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये सब अभी हम लोग धीरे धीरे रूल्स इसके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ही शॉर्ट में मैंने बता दिया कि ये चैप्टर के नाम का क्या मतलब। इस चैप्टर के नाम का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक करंट जब बहता है ना तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके आसपास बनती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक लिया गया है वो देखिए यही बताया गया है कि आपने बैटरी लिया, आपने कुछ बेसिकली ऐसा कॉइल ऑफ वायर लिया या कुछ भी, कोई भी चीज एक ऐसा शेप का वायर ले लिया। ठीक है, तो उससे ये हो जाता है कि आपको ये देखो सबसे पहले क्या दिखा है, दो वायर्स हैं। दो वायर्स पहले ना ऐसे थे, देखो अब जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है, ये दो वायर्स ऐसे हैं। एक सेकंड, इसको लॉक कर देता हूं। तो दो वायर्स जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये पहले सीधे सीधे हैं, ये देखो एक वायर ये हो गया, दूसरा वायर ये हो गया, दो वायर्स हैं। अब हुआ क्या कि जैसे ही है ना इसमें मैंने करंट चालू किया, जैसे ही इसको मैंने वायर से मतलब वायर के अंदर से करंट स्टार्ट किया, तो एक वायर में करंट ऐसा है, मतलब एक वायर में करंट ऊपर जा रहा है, एक वायर में करंट नीचे जा रहा है, एक वायर में करंट ऊपर जा रहा है, एक वायर में करंट नीचे जा रहा है। तो बेसिकली ये हो गया एंटी पैरेलल करंट, एंटी पैरेलल करंट। एंटी पैरेलल करंट को हम लोग कहते हैं अनलाइक करंट। अरे एंटी पैरेलल है ना, पैरेलल बोले तो दोनों साथ में या तो ऊपर जाएगा या तो दोनों साथ में नीचे जाएगा, इसको बोलेंगे पैरेलल करंट या फिर लाइक करंट, लाइक करंट। और अगर वो एक ऊपर एक नीचे रहेगा, है ना, एक ऊपर एक नीचे रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, तो हो जाएगा अनलाइक करंट या एंटी पैरेलल करंट। तो अनलाइक या एंटी पैरेलल, तो जब करंट एंटी पैरेलल रहेगा या अनलाइक रहेगा, दोनों में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बेसिकली रिपल्शन होता है। क्या होता है? रिपल्शन होता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, डोंट वरी, रिपल्शन होता है, बजा रखना। और अगर लाइक करंट रहेगा, जैसे कि इसमें आप देखिए इन लोगों ने जो सर्किट जिस तरीके से बनाया हुआ है, जिस तरीके, तो इसमें क्या हो रहा है कि करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो रहा है, करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो रहा है, ध्यान से देखिएगा। सो करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो रहा है, ये देखो ना यहां से प्लस में से करंट निकला, ऐसे करके गया, फिर घूम फिर के इन लोगों ने लाया है वायर को, फिर अंदर ले गए, है ना, फिर ऐसे घुमा के वापस से लाके इसको इधर जोड़ दिया। तो वो एक ही वायर है, एक ही वायर है जिसको ऐसे घुमा फिरा के लोग जोड़ रहे हैं। तो करंट देखो ना इसमें भी ऊपर जा रहा है, इसमें भी ऊपर जा रहा है, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दो वायर्स मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, दो वायर्स जिसमें करंट बह रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं।
और मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा डिपेंडिंग ऑन के करंट्स पैरेलल हैं कि एंटी पैरेलल हैं। देखिए इसको ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, हमने पढ़ा है ना बचपन से कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस। तो अगर दो चार्जेस आपने लिए सेम सेम, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, जैसे कि एक प्लस एक माइनस, तो क्या करते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा हो गया, देखो मतलब मैग्नेटिज्म नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वायर्स में है, वायर्स में, ठीक है। मैग्नेटिज्म में अगर पोल्स की बात करोगे ना तो पोल्स में भी वही होता है, साउथ पोल साउथ पोल रिपेल, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल रिपेल, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप वायर्स की बात करोगे, वायर्स जिसमें से करंट बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो उसमें अगर सेम है, लाइक करंट्स है, लाइक करंट्स है, पैरेलल करंट्स है, सो दे विल अट्रैक्ट। और अगर अनलाइक करंट्स है, अनलाइक करंट्स, दे विल रिपेल। तो ये थोड़ा सा उल्टा है, ये उन दोनों चीजों का उल्टा है जो आपने आज तक पढ़ा है, आपने जो आज तक पढ़ा है उसका ये उल्टा है। ऐसा क्यों हो रहा है, वो सब चीजें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो उसको मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है। ओके एनीवे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कम ऑन, सो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हाँ, अब बेसिकली देख लेते हैं कि व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड थंब रूल क्या चीज है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो लिसन वेरी केयरफुली कि अगर जैसे कि एक सेकंड यहां पे आ जाता हूं मैं, ये देखिए अगर मैंने एक वायर लिया इस तरीके से और उसमें करंट छोड़ा, इधर करंट ऐसे करके छोड़ दिया, दिस इज द करंट। तो एक वायर लिया स्ट्रेट वायर और उसमें करंट आई छोड़ दिया, तो बेसिकली इसके ऐसा देखा गया, इसके आजू बाजू में है ना मैग्नेटिक फील्ड बनती है इस डायरेक्शन में। सो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से चलती है, इस तरीके से, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर वायर ऐसा सीधा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा गोल चलती है, गोल। तो ये बताएं कैसे कि किधर चलेगी, तो बेसिकली राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया जाता है। राइट हैंड थंब रूल क्या करने का, ये जो बेसिकली ध्यान से देखेंगे, ध्यान से कि जो करंट है, करंट करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अपना अंगूठा जो है ना, अंगूठा अंगूठा वो बेसिकली ऊपर रखने का, क्या करने का, ऊपर रखने का। और जो उंगलियां है ना, उंगलियां ये सीधे हाथ से ही करना, इसका नाम ही राइट हैंड थंब रूल है, लेफ्ट से ट्राई मत करना, लेफ्ट से ट्राई मत करना। तो अंगूठा ऊपर रखो तो देखो तुम्हारी उंगलियां कैसे घूम रही है, तुम्हारी उंगलियां जो है ऐसा एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना, एंटी क्लॉकवाइज। इधर देखो अंगूठा ऊपर रखा, अब ऊपर रखा तो तुम्हारी उंगली अंदर जा रही है ना, यहां से अंदर जा रही है और यहां से बाहर आ रही है, देखो यहां से अंदर जा रही है और यहां से बाहर आ रही है। अरे समझ पाए अकल के पुतलों कि नहीं समझ पाए, समझ पाए होगे राइट। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। अब आप बोलेंगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड बड़ी अजीब नहीं है, नहीं कुछ भी अजीब नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन, बिल्कुल सही है ये। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड यहां से अंदर जा रही है, अंदर है ना, अंदर जा रही है, तो उसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस तरफ ये जा रही है अंदर, और यहां से जब ये बाहर आ रही है ना, बाहर देखो ना, यहां से बाहर आ रही है, ऐसे बाहर निकल रही है, बाहर बाहर निकल रही है, तो हम कह सकते हैं कि यार ये बाहर। अब आप बोलेंगे सर ये डॉट क्यों बनाया, ये क्रॉस क्यों बनाया। सुनिए ये आसान तरीका रिप्रेजेंट करने का, अरे कितनी बार गोले बनाओगे, कितनी बार गोले बनाओगे, सबसे बेस्ट है कि एक बार क्रॉस दिखा दो, एक बार डॉट दिखा दो। अब आप बोलोगे लेकिन सर क्यों, सुनिए बहुत ईजी है। महाभारत काल में या रामायण काल में अभी तोप गोले तो होते नहीं थे, तो उस जमाने में जो राजा होते थे, जो बेसिकली देवता होते थे, उनके पास क्या होता था, उनके पास होता था तीर कमान धनुष, है कि नहीं। तो अगर आपने पुरानी जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं जो सम्राट अशोक ने की या किसी ने भी की, तो एकदम पुराने जमाने में तो उस टाइम भी चलता क्या था, यही चलता था ना, तीर कमान, है ना, तो बाण ले लिया है ना, धनुष ले लिया और उसी से खेला करते थे, मतलब उसी से फाइटिंग है ना, उसी से युद्ध हुआ करते थे। अब सुनिए जरा ध्यान से, तो अगर आपने ले लिया धनुष और एक बाण ले लिया, मतलब बो एंड एरो ले लिया, और आपने उसे खींचा, ठीक है, किसी पे निशाना साधा और छोड़ दिया, जब आपने उसे खींच के छोड़ा, तो जब आपसे दूर जा रहा है तो क्रॉस उसका टेल दिखाई देगा आपको, उसकी पूंछ नजर आएगी, अरे एक तीर की पीछे से पूंछ नजर आती है। लेकिन किसी ने आप पे तीर छोड़ा, है ना, किसी ने आप पे तीर छोड़ा,
तो वो तीर का आगे आपको क्या नजर आएगा, पॉइंट नजर आएगा, पॉइंट डॉट। तो बेसिकली जो फील्ड अंदर जा रही है आपसे दूर जा रही है, अंदर जा रही है आपसे दूर जा रही है, तो आपको उसके पीछे की पोच नजर आएगी। और जब फील्ड बाहर आ रही है, फील्ड बाहर आ रही है, तो आपको उसका डॉट नजर आएगा, ठीक है, उसका हेड नजर आएगा, पॉइंट नजर आएगा। तो ये तरीका है हमारा बताने का चीजों को, ठीक है। सो इट्स डैम इजी, डोंट वरी। अच्छा ये बात याद रखिए कि अगर बेसिकली मतलब करंट ऐसा सीधा रखा ना, तो फील्ड ऐसा इस तरीके से रहती है, फील्ड ऐसे करके रहती है, बस इसको याद रख लीजिए। चलिए, सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर वही करके बनाया हुआ है कि करंट ऊपर जा रहे थे, वो करंट बना ना आई बना हुआ है, कैन यू सी दैट के आई बना हुआ है। तो करंट आई जो है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड गोल 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 है ना, ये करंट आई है, सो मैग्नेटिक फील्ड गोल है, ओके। अच्छा अब यहां क्या बताने की कोशिश की गई है, यहां पर दो वायर्स के बीच में फोर्स कैसे होता है वो बताने की कोशिश की गई है। तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही जबरदस्त है, ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं आपको ये बताता हूं, ये देखिए हमारे पास सपोज दो वायर्स हैं, तो एक वायर ये ले लिया, ठीक है, जिसमें करंट आई है, और दूसरा वायर ये ले लिया जिसमें नीचे की तरफ करंट है आई, ठीक है। तो एक करंट इसमें ऊपर है, एक इसमें नीचे करंट है, ओके। अब होगा क्या आगे देखिए, करंट जब इसमें ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार आप इसमें ऐसा ऐसा गोल करके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप, अरे भैया मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और क्या बनाएंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड, आई होप कि बेसिक सी बातें आपको समझ में आ रही हैं। सो आप बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, सो लेट मी मेक अ मैग्नेटिक फील्ड। अरे ये कौन सा कलर का बन रहा है भाई, ये कौन सा कलर हमने चुन लिया, रुको एक सेकेंड, अरे हट का नहीं रहा भाई, अरे ये दुख खत्म का ही नहीं होता भाई। चलिए एनीवे, कलर ही हमने गलत चुन लिया है, अब ठीक है, राइट, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन गई। तो अब ये जो है बेसिकली इसकी मतलब ये है करंट और मैग्नेटिक फील्ड है गोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड गोल है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर एरो बना देता हूँ, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, या फिर सिंपली यहां से अंदर जा रही है और यहां से बाहर आ रही है। अच्छा एक ही सर्कल बनता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे अनगिनत इनफाइनाइट सर्कल्स है। तो एक सर्कल तो ये हो गया, दूसरा सर्कल ये है, तीसरा सर्कल ये है, ऐसा करते 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 हजारों लाखों सर्कल्स हैं, और हर एक में एरो ऐसा ही है, लाइक दिस। तो कहने का मतलब ये कि यहां से फील्ड है ना अंदर ही जा रही है, अंदर ही जा रही है, ठीक है, यहां से इस वायर के इस तरफ। सुनो उस वायर की कहानी अभी तक मैंने शुरू नहीं की है, मैं सिर्फ इस वायर की बात कर रहा हूं। तो इस वायर की फील्ड यहां से अंदर 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 जा रही है, और यहां से बाहर, अरे क्योंकि एरो ऐसा आएगा ना, यहाँ पे एरो ऐसा आएगा, तो बाहर आ रही है, बाहर, तो फील्ड बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, यहां से अंदर जा रही है, यहां से बाहर आ रही है, इससे मुझे क्या लेना देना, ये जाए बाहर में, यहां पे क्या हो रहा है मुझे कोई सरोकार नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना इससे, क्यों, क्योंकि ये फील्ड इसे अफेक्ट करने वाली है, इस वायर को ये फील्ड अफेक्ट करने वाली है भाई, ये फील्ड। तो अब उस वायर पे आ जाते हैं, देखते हैं उस वायर के साथ इस फील्ड की वजह से हो क्या रहा है, उस वायर के साथ इस फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, ये देख लेते हैं। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि हुआ ये कि ये है करंट, बराबर। अब हम लोग याद रखेंगे एक चीज जिसे हम कहते हैं, देखो अभी अप्लाई पहले क्या किया था, पहले क्या अप्लाई किया था, यहां पे अप्लाई किया था राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल से फील्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द वे बी बोला मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ई बोला मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई बोला मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी बोला मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी बोला मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी फॉर बॉल, तो बी से मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो लिसन वेरी केयरफुली, राइट हैंड रूल तो अप्लाई हो चुका, अब इस पे जो हम अप्लाई करेंगे वायर पे वो है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, फ्लेमिंग करके एक साइंटिस्ट है, ठीक है, सो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल।
कहीं कहीं पे डबल एमबी लगाते हैं, कहीं कहीं पे सिंगल एमबी लगाते हैं, तो फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। अब ये रूल क्या कहता है पहले वो भी सुन लो, वो भी समझ लो। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा इस तरीके से। तो जैसे कि मैं एक बना देता हूँ घटिया सा डायग्राम, इतना अच्छा तो मुझे आएगा नहीं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ऐसा, ठीक है। मेरा ही हाथ मान लीजिए इसे आप, तो ये इस तरीके से है, ठीक है, ओके। तो अब ध्यान से देखेंगे कि ये वाली जो उंगली है, ये वाली उंगली, ये अंगूठा, ये फोर्स रहता है, ये जो उंगली है ये रहती है मैग्नेटिक फील्ड, और ये रहता है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। सो FBI, अरे अमेरिका में एक संस्था है ना FBI, जैसे अपने इंडिया में कैसा CBI, वैसे वहां पे FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सो बेसिकली FBI, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। अरे भाई समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे यहां पर, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ध्यान से कैसे इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही गौर से देखिएगा। तो करंट कहां है पहले ये बताइए, करंट कहां है? करंट है नीचे, ये जो करंट है ना, ये करंट, अरे करंट के लिए उंगली यूज करना है, कौन सी वाली? ये वाली, अरे ये है F, ये B, ये I, FBI। अगर तुम्हें कुछ याद नहीं रहता तो याद रखो, फुल्ली बेवकूफ इंसान, फुल्ली बेवकूफ इंसान। सो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, करंट का है, करंट का है, करंट नीचे है, नीचे उंगली पकड़ो, उंगली पकड़ो, करंट वाली उंगली पकड़ो, नीचे ले जाओ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, 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 अरे अंदर जा रहा है भाई, बोर्ड के अंदर जा रहा है, बोर्ड के अंदर। सो मैग्नेटिक फील्ड की उंगली कौन सी? ये वाली है ना, अरे FBI, आई हो गया नीचे, बी हो गया अंदर, 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 बी हो गया अंदर, फोर्स हो गया बाहर, उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ, बाहर मतलब राइट साइड में, राइट साइड में। मैं फोर्स राइट साइड में हुआ ना भाई, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स हो गया उस तरफ। अच्छे से नहीं बना पा रहा हूं, एक और ट्राई कर लेता हूँ, हाँ ऐसे ट्राई करता हूँ ऐसे। करंट किधर है? करंट की ये उंगली है बराबर, करंट किधर? नीचे है ना, उसको पकड़ा ऐसे करके ले लिया है ना, ऐसे ले लिया, करंट नीचे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर है, अंदर है, अंदर है। फोर्स किधर है? राइट में, राइट में, राइट में। अरे समझे भाई, अब क्या पूरा टेढ़ा हो जाऊं, हाथ हाथ पैर मोड़ लूं? तो बेसिकली फोर्स जो है वो इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है। सो करंट है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, फोर्स है राइट में, ठीक है। तो ये बंदा उसे धक्का मार रहा है, सुनो, यही बंदा उसे धक्का मार रहा है। कैसे, कैसे, क्या हुआ? इसने बनाया राइट हैंड थंब रूल के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड उसने महसूस किया और उसे फोर्स लग रहा है वहां पे। जैसे ही ये बंदा उसकी मैग्नेटिक फील्ड में आया, उसे फोर्स लग रहा है, ये वायर उसे धक्का मार रहा है, ये तो समझ में आया। ये वायर इसके साथ क्या कर रहा है? लेट्स चेक। तो अभी थोड़ा सा इसे मैं छोटा कर देता हूं। अरे अरे कहां चले गए भैया, ईका हो रहा है, हमारा, हमारी इच्छा के विरुद्ध चीजें घट रही है। तो ये उसे धक्का मार रहा है, वो इसे क्या करेगा? लेट्स सी। तो मैं ले रहा हूं वापस से दो वायर्स, एक वायर ये है, एक वायर ये है, इसमें करंट नीचे था, इसमें करंट ऊपर था। तो अब ये वायर इसके साथ क्या करेगा? लेट्स चेक। तो बेसिकली ये बंदा भी पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना भाई, अरे ये बंदा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सो लेट्स मेक अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस वायर। बराबर नहीं बना, हाँ अब ठीक लग रहा है, ओके ओके लग रहा है, चलो ठीक है। तो इसने बनाया मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का जो एरो है, मैं बना देता हूं इस तरीके से। अब आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड का आपने एरो ऐसा क्यों बनाया क्लॉकवाइज, या ऐसा क्लॉकवाइज क्यों बनाया आपने, यहां तो एंटी क्लॉकवाइज बनाया था। देखो ध्यान से, यहां पे तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, फिर सर आपने यहां पे क्लॉकवाइज क्यों बनाया? अरे बड़ा सिंपल है ना, राइट हैंड रूल ही इस्तेमाल किया ना, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल। अब आप बोलेंगे सर राइट हैंड रूल कैसे इस्तेमाल किया आपने, ये देखो करंट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है?
करंट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? अरे भैया नीचे जा रहा है, तो अंगूठा नीचे लो ना यार मेरे दोस्त, अंगूठा नीचे लो। सो अंगूठा नीचे, राइट हैंड है ना मेरा, यार ऐसे लोग यकीन करते कि मेरा राइट हैंड है, तो अंगूठा लो नीचे और उंगलियां घुमाओ। कैसे जा रही है उंगलियां? ऐसे ऐसे, यहां से बाहर, यहां से बाहर, यहां से बाहर, अंगूठा नीचे, करंट नीचे, उंगलियां यहां से बाहर और यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर। अरे भैया समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली, यहां से बाहर और यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर। ऐसा एक ही सर्कल है क्या? नहीं, ऐसे हजारों सर्कल से, लाखों सर्कल से, लाखों करोड़ों सर्कल से। और सभी सर्कल का कहानी यही रहेगा कि बेसिकली यहां से अंदर जाएगा, यहां से बाहर आएगा, यहां से अंदर, यहां से बाहर, लाइक दैट। तो बेसिकली इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर 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 करके जा रही है, ठीक है। और ये जो है बाहर बाहर करके इधर आ रहा है। लेकिन क्या ये मेरे किसी काम का है? क्या ये मेरे किसी काम का है? ये पार्ट ये मेरे किसी काम का नहीं है, जस्ट फॉरगेट इट। अरे ये वायर जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो यहां से बाहर निकल रही है, यहां से अंदर जा रही है, वहां से बाहर, यहां से अंदर। अरे वो मेरे किस काम की है? वहां पे तो कुछ है ही नहीं ना। ऑल द ड्रामा, ऑल द एक्शन इज टेकिंग प्लेस हियर, यहां पे सब कुछ हो रहा है। तो अब ये मेरे काम का है, इस वायर पे अब करेंगे फोकस, इस वायर पे देंगे ध्यान, देखते हैं इस वायर के साथ क्या होता है। उस पर तो अप्लाई कर लिया राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्यों इस्तेमाल करते हैं? राइट हैंड रूल क्यों इस्तेमाल करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड का असर देखने के लिए लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। देखो उसमें क्या कहता है, पहले इस पर राइट हैंड रूल इस्तेमाल किया, फील्ड बनाया और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से असर देखा उसका क्या होता है, कैसे फोर्स बनता है। यहां पर राइट हैंड रूल से इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से इस पर असर देखेंगे। आ जाओ वापस से लेफ्ट हैंड पे, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, सभी लोग यकीन मानते हैं मेरा लेफ्ट हैंड है। ये करंट किधर है? करंट किधर है? ऊपर। करंट की उंगली कौन सी है? अरे FBI, FBI। सो करंट की उंगली ऊपर करो, करंट की उंगली ऊपर हो गई। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर अंदर। अबे देखो इस वायर पे जो आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, वो अंदर है, अंदर। वहां से मैग्नेटिक फील्ड जो यहां आ रही है वो अंदर है। तो बेसिकली ये करंट तो है ऊपर, करंट हो गया ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर अंदर। इस उंगली को ऐसा घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गई। फोर्स किधर हो गया? लेफ्ट में। फोर्स किधर हो गया? लेफ्ट में। तो बेसिकली इस बंदे को जो फोर्स फील होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो इसको फोर्स इधर फील होगा। एक सेकेंड, इस वायर ने फील्ड बनाया, उसे धक्का मारा। इस वायर ने फील्ड बनाया और इसे धक्का मारा, तो ये उसे पुश कर रहा है, वो इसे पुश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है क्या हो गई? रिपल्शन हो गया, रिपल्शन, समझे? तो लेसन इसी तरीके से आप लोग अभी प्रैक्टिस कीजिए। ये वाला करंट जो है दोनों में सेम डायरेक्शन में है, ये तो था आपका अनलाइक करंट्स। क्या था ये? अनलाइक करंट्स, अनलाइक करंट्स, ठीक है, अनलाइक करंट्स। यहां पे आ जाएगा लाइक करंट्स। सो आप लोग बताइए लाइक करंट्स में अट्रैक्शन कैसे होगा, आप लोग करके देखिए, ठीक है। कि मैं कर दूं, एक कर दूं दूसरा वायर का आप करेंगे, चलो ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा साइड मिटा देता हूँ सब चीजों को, खाली इन दोनों पे ध्यान देते हैं। पहले यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो बेसिकली ये आ गया सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, यहां से अंदर है और यहां से बाहर है। सो ये है करंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड, इसके इर्द गिर्द, यहां से अंदर, यहां से बाहर। वेरी केयरफुल, यहां से अंदर, यहां से बाहर है, तो यहां से अंदर, यहां से अंदर, यहां से अंदर, ठीक है। ये बाहर वाला मेरे किसी काम का नहीं है, जस्ट फॉरगेट इट। उस वाले पे जो राइट हैंड थंब रूल यू हो गया, इससे काम खत्म। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या असर दिखाती है? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। एक सेकंड, ये करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स लेफ्ट में, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स लेफ्ट में। तो ये बंदा मैग्नेटिक फील्ड बना के उसे खींच रहा है, तो फोर्स इधर है। वैसे अब आप देखेंगे कि ये इसे खींचेगा, तो ये आप लोग को छोड़ता हूं, ठीक है। और जिस जिसको ये करना आ गया, मतलब आप लोग बहुत ही ब्रिलियंट है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसको आया किसको नहीं आया,
ठीक है, ईमानदारी से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बेसिकली यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और चीजों को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सो अब एक चार्ज के बारे में बोला गया कि एक चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो फोर्स कैसा फील करता है, ठीक है, कितना फोर्स फील करता है। तो चार्ज क्यू जब मैग्नेटिक फील्ड बी में वी वेलोसिटी से चलता है, जब चार्ज क्यू मैग्नेटिक फील्ड बी में वी वेलोसिटी से चलता है, वी वेलोसिटी से चलता है, तो फोर्स एफ मैग्नेटिक फील करता है। एफ एम मतलब एफ मैग्नेटिक। एक चार्ज क्यू मैग्नेटिक फील्ड बी में वेलोसिटी वी से चलता है तो फोर्स एफ एम महसूस करता है। एफ एम बार बार नहीं बोलेंगे, एफ बोलेंगे, एफ, बट ठीक है। तो अब वो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस डायरेक्शन में फील करता है, वो देख लेते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। सो आइए, तो हम लोग अपनी स्क्रीन पे फिर से लौट आए। इसको भगा ऊपर भाई, चलिए ऊपर जाइए। हाँ, तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो ये चार्ज है, एक चार्ज है, तो चार्ज क्यू है, क्यू क्यू। अब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है वी वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी, वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर अंदर। सो मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसे बनाएंगे? दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप ऐसा थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बना दीजिए, वैसा थोड़ा 3D फील आता है, 3D फील कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर घुस रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रही है। एक तरीका तो हो गया ये कि आप ऐसा 3D फील लाने के लिए ऐसा कुछ कर दें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप ऐसा एरोज बना दें, एरो का टेल, एरो का पिछवाड़ा बना दें, तो बेसिकली अंदर जा रही है ना। सो अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो वेलोसिटी है इधर, बराबर, वेलोसिटी है इधर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। सो वी क्रॉस बी करना है। फोर्स कैसा होता है? फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। फोर्स मतलब मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज। अरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है ना भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फील्ड से क्यों लग रहा है? अरे इलेक्ट्रिक से तो लगता ही लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा इसी के ऊपर तो है। मैग्नेटिक फील्ड से क्यों लग रहा है? क्योंकि जब चार्ज चलेगा, चलेगा स्पीड होगी, स्पीड जब चार्ज चलेगा उसके बाद स्पीड होगी, तो वो करंट बन गया ना, चार्ज, चार्ज करंट बन गया। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज चल रहा है ना, और चलता है तो करंट बन जाता है, करंट बन जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स उसे महसूस होगा। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि ये है आपका फोर्स, ये है चार्ज, ये है वी क्रॉस बी। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से देखेंगे कि हमें सिंपल सा वेक्टर का रूल यूज करना, और वेक्टर का रूल क्रॉस प्रोडक्ट वाला राइट हैंड रूल ही होता है। तो राइट हैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड को अपने बचा के रखिए, इम्तिहान तक, एग्जाम्स तक अपने राइट हैंड का ख्याल रखिए। राइट हैंड रूल बहुत जगह इस्तेमाल होता है ना। तो लिसन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वी है राइट में, तो फोर्स किधर है? लेट्स चेक। वी क्रॉस बी करना है, वी किधर है? उधर राइट में। तो उंगलियां लेना है, उंगलियां उन्हें सामने रख रहे हैं, कहां रख रहे हैं? सामने रख दिया। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर है, अंदर है, अंदर है, तो उंगलियों को ऐसा अंदर की तरफ घुमाना है, उंगलियों को अंदर की तरफ घुमाना है, तो फोर्स आ रहा है ऊपर। अरे एक सेकेंड, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, अंगूठा ऊपर मतलब फोर्स ऊपर, ठीक है। अरे वेक्टर का रूल है कि आप ए क्रॉस बी करोगे अंगूठा ऊपर आएगा, ए क्रॉस बी अंगूठा ऊपर, ए क्रॉस बी अंगूठा ऊपर, ऐसा ये वेक्टर का रूल ही है। तो सामने मतलब उस तरफ, मेरे से सामने ऐसा, इधर इधर राइट में, मतलब आपके आपके राइट में, ठीक है, मेरे सामने यहाँ पे वेलोसिटी ले लिया, वेलोसिटी, 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 मैग्नेटिक फील्ड अंदर, 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 दो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, फोर्स ऊपर। सो फोर्स जो इसे महसूस होगा, दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है।
एक सेकेंड, अरे जब भी फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है? फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है? सर्क्यूलर मोशन। तो ये चार्ज अब तक जो शराफत से चल चल के यहां आया, मैग्नेटिक फील्ड में आते, ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। एक सेकंड, कुछ ज्यादा ही मिट गया यार, रुकिए हम थोड़ा कम मिटा देते हैं। अरे भैया कम काहे नहीं हो रहा भाई, ये दुख साला खत्म काहे नहीं होता। चलिए एनीवे, सो लिसन वेरी केयरफुली, चार्ज घुसा मैग्नेट फील्ड यहां से शुरू हो रही, अरे यहां थी नहीं, यहां थी नहीं, तो चार्ज शराफत से चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, करंट बन के चल रहा था, जैसे ही घुस गया मैग्नेटिक फील्ड में, अबे फोर्स वेलोसिटी को, वेलोसिटी इधर है, फोर्स ऊपर है, तो वेलोसिटी को फोर्स से प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब प्रोपोर्शनल कह रहा हूं, परपेंडिकुलर रहता है, क्या रहता है? परपेंडिकुलर। वेलोसिटी को फोर्स रहता है परपेंडिकुलर, होता है सर्कुलर मोशन। अरे सर्कुलर मोशन यही तो है कि पार्टिकल चल रहा है इधर, फोर्स है इधर, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वेलोसिटी और फोर्स जब परपेंडिकुलर रहते हैं, यू गेट अ सर्कुलर मोशन। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग द बेसिक पॉइंट? सो बेसिकली आई होप कि ये छोटी सी बात आप सभी की खोपड़ी में, आप सभी के मस्तिष्क में प्रवेश कर चुकी होगी। एनीवे, सो बेसिकली ये आपको समझ में आ गया, बहुत ही बचकाना टॉपिक है। हाँ, इसमें और एक मस्त चीज है, एक और मस्त चीज है, रुकिए रुकिए रुकिए, ये तो बचकानी चीज तो समझ में आ गई, इसका थोड़ा मस्त चीज देखते हैं। लिसन, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, लेकिन वेलोसिटी, वेलोसिटी इसको परपेंडिकुलर नहीं है। लेट्स से मान लेते हैं कि वेलोसिटी इसको परपेंडिकुलर नहीं है। देखो वी और बी है ना, अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने देखा होगा तो परपेंडिकुलर है, अरे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इधर अंदर, और वेलोसिटी राइट में है, तो कितने का एंगल हो गया? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी सामने, कितने का एंगल है? कितने का एंगल है? 90 का एंगल है। लेकिन जब 90 का एंगल नहीं रहेगा तब क्या होगा? तो एक काम करता हूँ, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाता हूँ, वरना आपको शायद समझ में ना आए, ये थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट पार्ट है। अरे अरे ई का हो रहा है भैया, ठीक है। सो लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कि मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है इधर, ये है मैग्नेटिक फील्ड, अरे किधर भी ले सकते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड को कोई रोक थोड़ी सकता है। जब तुम पोल्स इधर रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पोल से पोल इधर चलेगी ना, तुम पोल्स को ऐसा रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर चलेगी, तुम ऐसा रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगी, समझ गए? तो मैग्नेटिक फील्ड उधर है, ठीक है, मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि वेलोसिटी इधर है, मतलब चार्ज जो था वो ऐसे करके आया, ऐसे लाइक दैट। अरे भाई समझ पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? आई होप कि आपकी खोपड़ी में बातें घुस रही हो। सो मैग्नेटिक फील्ड है इधर और चार्ज आया इस डायरेक्शन में, ठीक है, चार्ज ऐसे करके आ गया, ओके चार्ज ऐसे आ गया। अब होगा क्या आगे जरा देखिए। सो मैग्नेटिक फील्ड है इधर, चार्ज जा रहा है इधर, तो वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में हो गई ना भाई, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई। अरे अरे मैग्नेटिक फील्ड उधर और चार्ज घुसा ऐसे, अब 90 का एंगल थोड़ी ना है, अब 90 का एंगल नहीं है, तो फिर 90 का एंगल नहीं है, टेढ़ा वेक्टर है, तो टेढ़े वेक्टर को हम क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व कर दो, एक हिस्सा इधर बना 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 दो, तो ये हिस्से को हम कहते हैं वी पैरेलल और इसे कहते हैं वी परपेंडिकुलर। अबे परपेंडिकुलर का सिंबल है, पैरेलल का सिंबल है, तो वी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है ना, मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, ठीक है, तो वी पैरेलल और वी परपेंडिकुलर। अब सुनो ये फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर वी और बी परपेंडिकुलर हैं तो फोर्स होगा, लेकिन पैरेलल है तो फोर्स नहीं होगा, फोर्स जीरो होगा। क्यों? इधर देखो, क्यू वी बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालोगे ना, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकाल के, वैल्यू मॉड बना दिया मतलब वैल्यू, तो वो होगा क्यू बी साइन थीटा।
अगर पैरेलल रहेंगे तो थीटा कितना है, पैरेलल रहेंगे तो थीटा कितना है, जीरो। साइन जीरो क्या होता है, जीरो, फोर्स गया। लेकिन परपेंडिकुलर रहेंगे साइन 90 इज वन, सो फोर्स विल बी क्यू वी बी। फोर्स विल बी हाउ मच, फोर्स कितना रहेगा, क्यू वी बी, कितना बल होगा, क्यू वी बी। समझ गए, तो बहुत ही बचकाना है, बहुत ही बचकाना है मेरे दोस्त, बहुत ही बचकाना है, ठीक है। तो कोई भी समझ सकता है, इट्स वेरी इजी। तो ये पैरेलल है ना मैग्नेटिक फील्ड के, इस पे कोई भी फोर्स नहीं, मतलब ये रहेगा, ये जो है वो रहेगा। अरे भैया सुनो, अगर ये है 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी और ये है 4 मीटर पर सेकेंड और ये है 3 मीटर पर सेकेंड, ये 4, ये 3 और ये 5 था, अरे 5 को तोड़ा तो एक 4 बना, एक 3 बना, लेट्स अज्यूम 5 को तोड़ा तो 4 बना, 3 बना। कोई ऐसा तो सोच नहीं रहा है ना सर कि 7 होना चाहिए था इसलिए 4 और 3 बनाया। भाई ऐसा मत कहना, आप लोगों से मैं विनती करता हूं, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे बच्चा लोग, बेसिक वेक्टर्स है, बेसिक वेक्टर्स। तो यहाँ पे वेक्टर्स में, फिजिक्स में वेक्टर्स में 3+4 7 नहीं होता है, 3+4 कुछ भी हो सकता है, 3+4 1 से लेके 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए एनीवे, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि ये है 3 मीटर पर सेकंड, ये बदलेगा नहीं, इस पर फोर्स ही नहीं बदलेगा कैसे, तो ये वही रहेगा, मतलब यानी कि चार्ज आगे बढ़ता रहेगा, इस पर कोई भी फोर्स नहीं है, इसके पास स्पीड है आगे की तरफ, और उस स्पीड को रोकने वाला, तोड़ने वाला, खत्म करने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, चार्ज आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, परपेंडिकुलर, अरे अरे बाबा सुनो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वी इधर, वी क्रॉस बी करना है, फोर्स निकालने के लिए करना है, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है, वी क्रॉस बी, तो वी ऊपर, उंगलियां ऊपर कर ली, बी सामने मतलब राइट में, वी ऊपर बी राइट में, तो इसे घुमा दिया बी की तरफ, अबे वी ऊपर बी सामने है ना भाई, घुमाओ ना, अंगूठा अंदर, फोर्स अंदर है, तो वेलोसिटी, अब देखो फोर्स अंदर आ गया, वेलोसिटी ऊपर कितना एंगल है 90 का, और वेलोसिटी और फोर्स के बीच में 90 का एंगल होता है तो क्या होता है, सर्कुलर मोशन। तो ये पार्टिकल जो ऐसा जा रहा था, अरे ये जो चार्ज है जो ऐसा जा रहा था, लिसन वेरी केयरफुली, जो ऐसा जा रहा था, अंदर जाते ही ऐसा घूमना शुरू हो जाएगा, लिसन अंदर जाते ही ऐसा, अबे इसका वेलोसिटी ऐसा है ना, ऐसा ये वाला वेलोसिटी ऐसा है और फोर्स है ऐसा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, तो ये बंदा है ना अंदर, देखो शराफत से जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, घूमना स्टार्ट, लेकिन घूम तो रहा है इसकी वजह से, लेकिन इसकी वजह से आगे भी बढ़ेगा, तो घूमेगा भी आगे भी बढ़ेगा, सो इट विल परफॉर्म हेलिकल मोशन, मतलब रिंग की तरह ऐसा भी आगे बढ़ेगा। अरे ये चलाएगा आगे 3 की स्पीड से और ये इसे गोल गोल घुमाएगा, अरे ये बंदा इसे गोल घुमाएगा, ये गोल घूमेगा 4 की स्पीड से गोल घूमता रहेगा और 3 की स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा, लाइक दैट। अबे स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग हेलिकल मोशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलिकल मोशन। समझ गए भैया कि नहीं समझे, समझ में आवत है कि नहीं, तो का भैया, अरे भैया प्रोफेसर भैया, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, तो ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ चुका है। हाँ, अब देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सामने से देख लो। सो बेसिकली आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्यू इंटू ई और मैग, अरे ई का हुआ भाई, हाँ ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, और दोनों को मिला दें तो बनता है लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ नाम के मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट ने, बहुत ही बड़ा आदमी है ये, छोटा मोटा आदमी नहीं, आइंस्टाइन के साथ टक्कर होती थी इसकी हमेशा, और आइंस्टाइन की थियोरी में इसका बहुत बड़ा रोल है, ही इज ऑल्सो नोबेल प्राइज विनर लॉरेंट्ज़।
सो मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट, वेरी वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है। तो लॉरेंज ने बोला कि दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। भला हो हमारी टेक्स्ट बुक का कि उसने एफएम लिखा, वरना मैं कभी एफएम नहीं लिखता। अगर मैं टेक्स्ट बुक लिखता तो मैं एफएम नहीं लिखता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल एम नहीं है, बी है। कोई बात नहीं, तो लिखना नॉर्मली ऐसे चाहिए, एफ ई प्लस एफ बी, बट नहीं लिखा है। वैसे भी नाम में क्या रखा है, जस्ट फॉरगेट इट। तो ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, दिस इज करेक्ट। तो याद रखेंगे कि लॉरेंस ने बोला है कि दोनों फोर्सेस इंडिपेंडेंटली काम करते हैं अपना, मतलब एक चार्ज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरीके से फोर्स देगी, मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरीके से फोर्स देगा। इसको कभी कभार ना ऐसे भी बोलते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कोई एक प्रिंसिपल नहीं है, बहुत जगह पे आपने पढ़ा होगा। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इज ए क्लास ऑफ प्रिंसिपल्स, एक एक कैटेगरी प्रिंसिपल की, ठीक है। चलिए, नहीं वेव्स, वेव्स में पढ़ा होगा आपने, वेव्स में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो पढ़ा ही है। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं अच्छे से खोल के लिख दूं तो लॉरेंस फोर्स, अच्छा अब जब इसको पूरे को लॉरेंस फोर्स बोल ही रहे हैं तो दो में से गायब रहा, तो दो में से गायब रहा तो क्या लॉरेंस फोर्स नहीं होगा? होगा ना, दोनों को मिला के लॉरेंस बोल रहे हैं, तो एक को भी लॉरेंस बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक लॉरेंस, मैग्नेटिक लॉरेंस, इलेक्ट्रिक लॉरेंस, मैग्नेटिक लॉरेंस। अबे ये जेड है बे, जेड है। पता नहीं कुछ लोग कह रहे हैं, सर ये आपने कौन सी संस्कृत जैसी लिपि लिखी है? अरे भैया ई का है, ये है जेड, जेडवा है ई। चलिए, तो इलेक्ट्रिक लॉरेंस, मैग्नेटिक लॉरेंस, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक लॉरेंस क्यू ई बार, मैग्नेटिक लॉरेंस क्यू वी क्रॉस बी बार, है ना, वी बार क्रॉस बी बार। क्यू बाहर निकाल लो, सो इलेक्ट्रिक प्लस वी क्रॉस बी, दैट्स इट, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया, ठीक है। अरे भैया समझेगी नहीं, आई होप के सब लोग को समझ गया। करता है ना भाऊ, सगड़े ना करता है ना, करता है का तुला, हो करता है, ऐसा बोल रहे बच्चे, हो सर करता है माला। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, और आएगा भी एक मजेदार टॉपिक। किधर गया भाई मजेदार टॉपिक? हाँ, साइक्लोट्रॉन, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहाँ है ये? ये है का? तो अभी हम तुमका बना के दिखावत है। अरे लेट्स डू इट, कम ऑन लेट्स डू इट, वेयर द हेल इज माई स्क्रीन, कम बैक, ओके लुक हियर। ये ब्लैक बोर्ड मेरे को अच्छा लगता है, आपको व्हाइट पसंद है तो व्हाइट कर दूंगा, हरा बोलोगे तो हरा कर दूंगा, बट मुझे ब्लैक पसंद है, ठीक है। चलिए, एनी वे ब्लैक इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कलर, रैदर हम फिजिक्स वाले हैं, ब्लैक इज नॉट अ कलर, ब्लैक इज द एब्सेंस ऑफ ऑल कलर्स, ठीक है। एंड व्हाइट इज नॉट अ कलर, व्हाइट इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑल द कलर्स, मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर्स एंड ऑल। एनी वे एनी वे एनी वे, आई होप सगळ्यांना करता है, फाइन। सो हाँ, ये देखिए साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, सुनिए। ऐसा डी शेप का कुछ तो रहता है, एक डी और ये दूसरा डी। अब डी शेप का है ही, तो उसका नाम ही रख दिया डी, डी डबल ई डी। एक डी है, दूसरा डी है, दो डी मिला के डीज, इनको डीज बोलते हैं, डीज डीज, ठीक है, दो डीज है ना, प्लूरल। अरे एक वचन, अनेक वचन, एक वचन बहुवचन, ठीक है। एनीवे मराठी में अनेक वचन बोलते हैं, हिंदी में बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, दो डी हैं, थोड़ा खूबसूरत बना देता हूं यार, बड़ा वाहियात सा बना दिया मैंने। चलो थोड़ा सा बेटर। अब होता क्या, सुनिए, बीच में ना, बीच में यहां पर एक चीज होती है, वो स्प्रे करती है, चार्जेस को स्प्रे करती है, यहाँ पे इस गैप में, गैप है ना दो डी के बीच में। अच्छा ये डी है ना डी, इसको अगर मैं थोड़ा ऐसा, सुनो ऐसा नीचे से झुक के देखूंगा ना, ऊपर नीचे से झुक के, तो कैसा दिखेगा मालूम है? इसकी शक्ल ऐसी है, इसकी शक्ल थोड़ा 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूं, समथिंग लाइक दिस। ये खाली ऐसा वन डायमेंशनल चीज नहीं, मतलब टू डायमेंशनल चीज नहीं, पूरा 3D है, पूरा 3D है, मतलब इसकी डेप्थ भी है, अबे गहराई भी है, जैसे देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ये पूरा डी है, ये दिस इज अ डी, ये डी है। अबे इसके अंदर चढ़ के चूहा रेस्ट कर सकता है, इसके अंदर चढ़ के
कोई भी छोटा मोटा सा बिल्ली विल्ली घुस के रेस्ट कर सकता है। साइक्लोट्रॉन पहले जो बने थे बहुत बड़े बड़े भी थे, छोटे छोटे भी थे, हमारे पास सब है। बड़े बड़े साइक्लोट्रॉन्स भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइक्लोट्रॉन्स, इसको साइक्लोट्रॉन बोलते हैं भाई। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन पेडी है, खाली रहता है अंदर से, पूरा खाली, अंदर घुस के सो सकते हो। अरे तुम नहीं, ठीक है, घुस मत जाना, बहुत खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। हाँ, अब हम करते क्या है ना कि इसको लगा देते हैं यहां पर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होना चाहिए वो भी हमें थोड़ी देर में पता चलेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग करंट लगाना है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाना है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अभी थोड़ी देर में पता करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, यहां से चार्जेस निकल रहे हैं, मान लो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, क्या निकल रहा है? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जैसे यहां से निकलता है, अब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ना इसके ऊपर से डाल रहे हैं, सुनो, इसके ऊपर ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। अरे ये जो चीज है ऐसी नहीं है, ऐसी ऐसी ऐसी, ये चीज ऐसी है, इसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड गिर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर से गिर रहा है। अरे भाई यहां से मैग्नेटिक फील्ड गिर रही है, भाई यहां से मैग्नेटिक फील्ड गिर रही है, लेट्स से ठीक है, समझ पा रहे हो? सो दिस इज लेट्स से नॉर्थ, दिस इज साउथ, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गिर रही है। लेसन मैंने कुछ गलत नहीं बनाया, बिल्कुल 100% राइट है, ठीक है। इसको खाली ऐसा मैं आपको वापस एक बार दिखा देता हूँ, शायद आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए। लुक हियर, यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है, सो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएंगी ना ऐसे, ये नॉर्थ है ना भाई, तो नॉर्थ से साउथ में जाएंगी, सो लाइक दैट। तो मैं खाली क्या थोड़ा आधा आधा करके दिखा रहा था, बट पूरी एक कंटिन्यूस लाइन है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ में। तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो एक ही डी है, दूसरा डी किधर गया? दूसरा डी इसके बाजू में, ये सामने, लाइक दैट, ठीक है, सामने, समथिंग लाइक दैट। तो दोनों डी है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड गिर रही है पूरे में। ओह सॉरी, पता नहीं कौन सा कलर कब इस्तेमाल कर लेता हूं मैं, दीवाना हो गया हूं मैं, कुछ भी करता रहता हूं मैं। ओके, एनीवे, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब मैग्नेटिक फील्ड इस पर गिर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड गिर रही है, मान लो ऐसे गिर रही है, ऐसे ऐसे करके, अबे ऐसे गिर रही है ना भाई, ऐसे गिर रही है, ऐसे, तो यहां से तो अंदर जाएगी ना, यहां से अंदर जाएगी। सो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर अंदर अंदर, ठीक है, और ये जा रहा है राइट में, चार्ज अल्फा पार्टिकल जा रहा है राइट में, अल्फा पार्टिकल जा रहा है राइट में, अल्फा पार्टिकल जा रहा है राइट में, वेलोसिटी है इधर और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, वी क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा? वी क्रॉस बी, वेलोसिटी राइट में और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, देखो वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, अंगूठा ऊपर, तो ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से ऐसा इधर जाएगा। अरे समझे भाई क्या नहीं समझे? ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा जाएगा अंदर। अरे चार्ज पार्टिकल निकलते ही मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, ऐसा जाएगा अंदर इधर, समझे? ठीक है, ऐसा जाएगा। और लिसन सिर्फ ऐसा ही नहीं जाएगा, पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा भाई। हाँ क्या ना, पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात सुनो क्या है, सर्कल कंप्लीट करते करते वो यहां पहुंचा, जैसे यहां पहुंचा, मतलब अभी पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ है, सेमी सर्कल कंप्लीट हुआ है, जैसे वो यहां पहुंचा, लिसन ये वाला हो गया माइनस और ये वाला हो गया प्लस। अब बोलिए है माइनस प्लस कैसे हुआ? अबे क्या लगाया यहाँ पे, क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे वोल्टेज लगाया भाई मेरे भाई, वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या करता है? प्लस माइनस देता है ना, तो अभी ये माइनस है, तो क्या होगा? ये बंदा खींच जाएगा, अबे अल्फा पार्टिकल है प्लस, अल्फा पार्टिकल प्लस है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा अल्फा पार्टिकल माइनस को देखते ही दौड़ा चलाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है ही ना इस दुनिया में, इलेक्ट्रिक फील्ड ने खींच लिया। अरे माइनस ने इसे खींचा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसे खींचा और मैग्नेटिक फील्ड इसे घुमाएगी, फिर आएगा इधर, यहां आ गया, ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, जैसे ही बना माइनस ये बन गया प्लस। अबे ऑल्टरनेटिंग है बे, कभी ये प्लस तो कभी वो प्लस, कभी ये माइनस तो कभी वो माइनस। सो बेसिकली ये प्लस है वो माइनस है, तो अल्फा पार्टिकल उसके पास ललचा के चला गया क्योंकि माइनस है ना, खींच गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है ही तो घूमेगा, फिर यहां आ गया, फिर ये खींच, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे करते 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 खींचते 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 फाइनली बाहर निकल जाएगा। अब ये बाहर ही निकालना था तो भाई बनाया ही क्यों, ठीक है, बना के क्यों बिगाड़ा रे,
अरे भैया सुनिए, इसका कुछ काम है तभी ऐसा बनाया है। तो सुनिए, घूमते 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 बाहर निकल गया बहुत तेजी से, क्योंकि स्पीड बढ़ती है, जितनी बार इधर आता है स्पीड बढ़ जाती है, 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 बहुत तेज होकर बाहर निकलता है। साइक्लोट्रॉन एक तरीके का पार्टिकल एक्सीलरेटर है, स्पीड बढ़ाने का काम करता है, स्पीड बढ़ाने का। तो बहुत तेज स्पीड से निकला अल्फा पार्टिकल, यहां रख दिया गोल्ड फॉइल, और रूदरफोर्ड ने कर लिया एक्सपेरिमेंट लैब से। वैसे रूदरफोर्ड के जमाने में नहीं था ये, मतलब बहुत बहुत बाद में आए। तो बेसिकली आज हम लोग ये यूज कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के लिए, बहुत ही मस्त हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल जाकर धार से टकराएगा गोल्ड फॉइल से, और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, फेंक फेंक के हम चीजों को स्टडी करते हैं, पार्टिकल्स फेंक फेंक के हम चीजों की स्टडी करते हैं, ठीक है। एनीवे तो साइक्लोट्रॉन समझ में आया। तो इसे वेरी केयरफुल हम सोच रहे होंगे कि सर जब भी ये बाहर आएगा तभी ये माइनस और ये प्लस, ये कैसे करते हैं कंट्रोल। लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला देखो। घूमने के लिए क्या चाहिए, घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपेटल फोर्स। घूमने के लिए क्या चाहिए, घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एमवी स्क्वायर बाय आर। अबे है क्या नहीं है भाई। सो घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपेटल फोर्स, और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला एमवी स्क्वायर बाय आर। अब ध्यान देंगे सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, एमवी स्क्वायर बाय आर। और ये दे कौन रहा है, ये दे रहा है आपका मैग्नेटिक फोर्स। कौन दे रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी बी। साइन थीटा साइन 90 है, साइन 90 इज 1, क्यों, क्योंकि आप छोड़ रहे पार्टिकल को इधर, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, दोनों के बीच में एंगल है 90। सो वी बी 90 का एंगल, साइन 90 इज 1, क्यू वी बी। अरे कौन घुमा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स घुमा रहा है, घुमाने वाले को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन घुमा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, घुमाने वाले को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। एक वी एक वी कैंसिल, ठीक है, आगे बढ़े। सो लिसन, ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू क्यू बी आर बाई एम, v इक्वल्स टू क्यू बी आर बाई एम, ठीक है। अब v कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर। अरे गोल घूम रहा है ना भाई, तो डिस्टेंस इज 2 पाई आर, और टाइम टाइम पीरियड, टाइम मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। अरे एक चक्कर काटने का टाइम कितना होता है, टाइम पीरियड। तो 2 पाई आर बाई टी इज क्यू बी आर बाई एम, आर कैंसिल हो गया। तो लिसन, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी उधर ले जाओ, तो इट इज 2 पाई एम बाई क्यू बी। टी उधर ले जाओ, एम इधर ले जाओ, क्यू बी नीचे ले जाओ, 2 पाई एम बाई क्यू बी। दिस इज नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट टाइम इज कॉन्स्टेंट। अब बोलेंगे सर कैसे कॉन्स्टेंट, टू नंबर है कॉन्स्टेंट है, पाई नंबर है कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल अल्फा पार्टिकल जो भी है, अल्फा पार्टिकल कॉन्स्टेंट, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कॉन्स्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया कॉन्स्टेंट, सब कुछ कॉन्स्टेंट है। तो टाइम कॉन्स्टेंट हो गया, इसका मतलब चाहे वो छोटा सर्कल में घूमे, चाहे बड़े सर्कल में घूमे, छोटे में घूमे बड़े में घूमे, हर बार उसी टाइम पे बाहर आता है, हर बार उसी टाइम पे बाहर आता है। तो बस आपको क्या करना है, इसको उल्टा करना है, टाइम पीरियड को उल्टा करना है, फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है, फ्रीक्वेंसी इज 1/T। अरे 1 बाय टाइम पीरियड होता है ना फ्रीक्वेंसी भाई, है ना। सो इट विल बिकम क्यू बी बाई 2 पाई एम। ये वैल्यू अल्फा पार्टिकल के लिए अगर डाल के देखा, या कोई भी एक पार्टिकल डाल के देखा, तो कुछ तो आएगी। तो मान लो अल्फा पार्टिकल के लिए सारी की सारी वैल्यू डालने के बाद आ जाता है 10^7, और सच में आता है 10^7 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि 10^7 हर्ट्ज, हर्ट्ज आता है 1 करोड़ हर्ट्ज। 1 करोड़ हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी अगर मैंने यहां लगा दिया डायरेक्टली, मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है, 1 करोड़ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगाते ही 1 करोड़ बार ये घूमेगा, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 करोड़ बार घूमेगा, 1 सेकंड में 1 करोड़ बार घूमेगा। और हर बार जब भी आएगा तो उसके हिसाब से फील्ड होगी, उधर जाएगा उसके हिसाब से फील्ड होगी, उधर जाएगा, ये हर बार सेम टाइम पे बाहर आ रहा है ना, सेम टाइम पे बाहर आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी 1 करोड़ हर्ट्ज के आसपास रहती है, फ्रीक्वेंसी 1 करोड़ है, फ्रीक्वेंसी 1 करोड़ हर्ट्ज। और वोल्टेज की वैल्यू हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग देते हैं यहाँ पे 1.5 टेस्ला, या फिर 15,000 गाउस, ठीक है, गाउस, इट्स नॉट गॉस, गॉस इंडिया में बोलते हैं, साइंटिस्ट का असली नाम है गाउस, गाउस, ठीक है, चलिए। एनीवे
ये सब चीजें हैं, तो बस इतना ही साइक्लोट्रॉन में। हाँ, इसका काइनेटिक एनर्जी एनर्जी अगर निकालना है तो वी स्क्वायर स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं। तो सुनो, काइनेटिक एनर्जी अगर किसी ने पूछ लिया पार्टिकल का इन साइक्लोट्रॉन, तो जवाब आपका होगा काइनेटिक एनर्जी के ई इज क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, अरे ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये निकाल लोगे आप लोग। अरे बहुत ही बचकानी चीज है, हाफ एम वी स्क्वायर करना है खाली। और वी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे भाई? तो बेसिकली ये तो अभी मुझे निकालना है, बोलना मत, ठीक है? सो नटखट बच्चों, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी तुम निकालोगे, ठीक है? चलिए आगे अगले टॉपिक। सो ये देखो, सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है? सारी चीजें पढ़ ली हैं हमने, हम कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। ये देखो हेलिकल मोशन इधर दिखाए हुए, इतना बाद में आराम से। हाँ, यहां पर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और मस्त लॉ, ठीक है? कम ऑन, किधर गया भाई? और हाँ, यहां पर है, यहां पर वो मस्त लॉ। चलो ठीक है, तो बता देता हूं मैं आप लोग को, किधर गया रे भाई? कम ऑन, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, बोर्ड्स है भाई, बोर्ड्स है, सब कुछ पढ़ना चाहिए। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। सो आप लोग को उस पर ज्यादा ध्यान देना है। चलो भाई आगे आ जाओ, किधर गए? हाँ इधर है। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अभी एक वायर है, ठीक है? एक वायर है, टेढ़ा मेढ़ा वायर है। तो ये वायर को अगर रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एक वायर है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है? एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसे फोर्स महसूस होता है, फोर्स महसूस होता है। अब आप बोलेंगे सर क्यों महसूस होता है, वायर को जिसमें कोई करंट बह रहा है उसे फोर्स क्यों महसूस होता है? एक वायर जिसमें करंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है उसे फोर्स एफ क्यों महसूस होता है? क्योंकि लिसन, अभी आपने देखा था कि फोर्स इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी, याद आ रहा है? देखा था कि नहीं देखा था? फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी देखा था ना? तो चार्ज जो है, चार्ज जो कि चल रहा है, चार्ज जो कि चल रहा है उसे फोर्स फील होता है। एक सेकंड, वायर में जब करंट रहता है तो चार्जेस चल ही रहे हैं ना? वायर में जब करंट रहता है तो चार्जेस चल ही रहे हैं, तो उन्हें फोर्स फील होना चाहिए। तो अगर मैंने कितना छोटा सा पार्ट इसका काट लिया, अगर मैंने वायर का छोटा सा पार्ट काट लिया, अरे इसमें चार्ज है ना भाई, इसमें चार्ज है ना, तो चार्ज है छोटू सा, कम कम चार्ज है, डी क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? डी क्यू छोटू सा चार्ज है। ये छोटू चार्ज को जो फोर्स फील होगा वो भी छोटू फोर्स होगा, छोटा चार्ज है, कम चार्ज है, तो डी एफ इज डी क्यू वी क्रॉस बी। अरे हाँ क्या ना भाई? अरे स्पीड छोटू नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड छोटू नहीं है, ये दोनों नॉर्मल जो है वो है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, वेलोसिटी भी वही है, छोटू सा चार्ज है, छोटू सा। अरे पूरा चार्ज नहीं लिया, क्यों नहीं लिया पूरा? डी क्यू लिया, तो फोर्स भी होगा डी एफ छोटा सा। तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि डी क्यू इंटू डी एल बाई डी टी क्रॉस बी? अब आप बोलेंगे सर ये कैसे लिख दिया भाई आपने? अरे बहुत सिंपल है बच्चा, यहां से यहां इस वायर की कुछ लंबाई है कि नहीं है? डी एल है। ये पूरे वायर की लंबाई तो कुछ और है, एल है, कैपिटल एल है या स्मॉल एल है, जो भी है, लेकिन ये चीज की लंबाई कितनी है? सिर्फ डी एल। इतूसा है ना बे, तो इतूसा है तो इसकी लंबाई क्या होगी? डी एल। क्या होगी लंबाई? डी एल। एक्सक्यूज मी, सर्दी जुकाम नजला पता नहीं दुनिया भर की चीजें हो गई मुझे। डीएल। तो लेसन स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो चार्ज यहां से यहां कवर कर रहे हैं ना टाइम टी में, टाइम डी टी में, छोटे से टाइम में, छोटे से टाइम में, थोड़े से टाइम में, डी टी टाइम में चार्ज चल रहा है डीएल। डीएल बाई डी टी इसकी स्पीड हो गई ना, स्पीड डीएल बाई डी टी। समझ गए भाई? अरे वेलोसिटी का फॉर्मूला था ना यार, बचपन से पढ़ रहे हो, डी एक्स बाई डी टी यार, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ क्या ना? सो वही चीज को एक्स के बदले मैंने एल लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे लंबाई एल है, इतना दूर जा रहा है चार्ज, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा है चार्ज, यहां से यहां जा रहा है, ठीक है?
ओके एनी वे, सो आई होप समझ में आया। डी डी को नीचे से इधर खींच लो। सो ये क्या लिख दिया हमने, हमको ही समझ में नहीं आ रहा है। ई का लिख दिया है, अपने आप लिख गया क्या डी एफ। चलिए सो डी एफ इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी डी एल क्रॉस बी, बराबर है। ए क्रॉस बी बराबर है, बिल्कुल परफेक्ट है। सो लिसन, ये जो है बेसिकली डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, वॉट इज डी क्यू बाई डी टी। अबे डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट होता है, करंट आ गया, आ गया डी एल क्रॉस बी। अबे रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है, करंट। सो डी एफ की ये वैल्यू आ गई, ठीक है, डी एफ का फॉर्मूला आ गया। अब अगर ये वायर एकदम एग्जैक्टली बेसिकली सीधा हो जाए तो सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा, एकदम सीधा हो जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा, डायरेक्टली बन जाएगा, मतलब I इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है, I इंटू एल क्रॉस बी ऐसा बन जाएगा। और लिसन, अगर सीधा नहीं भी हुआ तो हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन करके भी ये ऐसा बन जाता है, बट इंटीग्रेशन के फॉर्म में थोड़ा ऐसा लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू I इंटीग्रेशन डी एल क्रॉस बी, इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ऐसा लिखते हैं, ठीक है। बट तुम लोग सब इतनी सारे झमेले में मत पढ़ो, तुम लोग याद रखो F इक्वल्स टू आई एल बी, आई एल क्रॉस बी। अरे भाई समझे कि नहीं समझे, अकल के बुदलो। F इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है, F इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। और इसी के ऊपर लागू होता है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। अरे हो गया ना, जब भी एक वायर जिसके अंदर करंट आई है मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा होगा, उसे फोर्स एफ महसूस होगा, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई। एल और आई एक दूसरे में समा गए हैं, उसको ज्यादा ध्यान मत दो, एफ बी आई। अरे एल, एल जिधर, मतलब एल का भी डायरेक्शन है, और एल का डायरेक्शन वो ये जो आई का डायरेक्शन है, करंट इधर चल रहा है तो एल इधर है, करंट इधर चल रहा है तो एल इधर है। अरे एल मतलब लंबाई, ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज है, उसको ज्यादा ध्यान मत दो। सो एफ बी आई इसी के ऊपर अप्लाई होता है, समझ में आ गया, ठीक है। अभी जब हमने दो वायर्स लिए थे स्टार्टिंग में, दो वायर्स लिए थे कि नहीं लिए थे भाई, लिए थे। इन लोग के बीच में फोर्स कितना रहता है, उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, इट इज, मतलब इसने बनाया फील्ड, मान लो ये फर्स्ट करंट है, ये सेकंड करंट है, फर्स्ट करंट सेकंड करंट, तो ये जो बंदा इसकी वजह से, इसकी वजह से जो फील करेगा फोर्स, सेकेंड बंदा जो फोर्स फील करेगा, अरे ये उसे धक्का मार रहा है ना F2 से, तो सेकेंड बंदा जो फोर्स फील करेगा वो फोर्स क्या होगा, बिल साइन थीटा। कैसे लिखा, ये देखो क्या लिखा, वो ये आई एल क्रॉस बी। इसका मतलब अगर वैल्यू निकाला इट विल बिकम आई एल बी साइन थीटा, है कि नहीं, वैल्यू निकाला। अरे भैया इसकी वैल्यू निकालोगे तो आई एल बी, अरे क्रॉस है ना यार तो साइन थीटा आ जाएगा, तो इसी को मैं शॉर्ट में प्यार से बिल साइन थीटा कहता हूं, बिल साइन थीटा। नाउ लिसन, मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो कैसी रहती है, ऐसी रहती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहती है, और लेंथ कैसी ऐसी है, तो परपेंडिकुलर है ना, तो साइन 91 हो जाएगा, तो इसको लेने का ही नहीं, इसको भूल जाने का। तो फोर्स इज बिल, फोर्स कितना है, बिल है। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, बिल तो बोल दिया, भले ये चीज को टू लिख दो, ये चीज को टू लिख दो, लेकिन इस चीज को हमेशा वन ही लिखना, इसको वन लिखना। रीजन क्या है सुनो, बता रहा हूं, उससे पहले ये वायर इसको जो फोर्स देगा वो देगा इधर, इसका नाम होगा F1, होगा कि नहीं होगा, होगा। सो F1 का फॉर्मूला भी आ जाएगा बिल, तो यहां भले वन लिखो, यहां भले वन लिखो, लेकिन यहां पर हमेशा टू लिखना, क्यों, अरे इट इज वेरी इजी, अकल के पुतलो, ये बंदा किसकी मैग्नेटिक फील्ड में है, उसकी, उसको B1 लेंगे ना, इसका करंट, इसकी लंबाई, सब कुछ इसका, लेकिन फील्ड तो किसी और की है ना बे, दूसरे की फील्ड से तुम्हें फोर्स महसूस होता है, खुद की फील्ड से खुद को फोर्स महसूस नहीं होता है। तो फोर्स इस पे है, इसकी लंबाई, इसका करंट, लेकिन फील्ड उसकी, तो इसीलिए जब भी F2 होगा तो B1, F1 होगा तो B2, ये बात याद रखना। अब देखो हम अपनी जिंदगी को और आसान बनाएंगे। सो बेसिकली
एफ वन या एफ टू की वैल्यू ले लेंगे, एफ वन की वैल्यू ले लेते हैं लेट्स से। अच्छा एक वायर जो कि सीधा है, एक वायर जो कि सीधा है, एक वायर जो कि सीधा है ठीक है, उसमें अगर करंट आई बहता है, आई तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका फॉर्मूला होता है इट इज म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। ऐसा गोल फील्ड बनती है ना, गोल, अरे गोल फील्ड बनती है ना, टू पाई आर। सो म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, याद रखना। सो लिसन, बी वन की वैल्यू, सॉरी ये बी टू की वैल्यू में लिखता हूँ म्यू नॉट आई टू, अरे मैं ये लिख रहा हूँ भाई, ये वाला लिख रहा हूँ म्यू नॉट आई टू बाई टू पाई आर, ये बी की जगह पे लिखा, लेकिन बाहर क्या है आई वन एल वन, अरे है कि नहीं है बाहर, यस है, एक हो गया। इसका लिखता हूं, इसका लिखता हूं बी वन कितना आएगा म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई आर, बाहर क्या है आई टू एल टू, दोनों को ध्यान से देख लो दोनों सेम है, होना ही चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, दोनों एग्जैक्टली सेम है, और एक बंदा इधर है और एक बंदा इधर है, तो इक्वल भी है ऑपोजिट भी है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। समझ पाए या नहीं समझ पाए? सो बेसिकली एफ वन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू, ऑपोजिट टू एफ टू, समझ गए? तो ये है दो वायर्स के बीच में फोर्स, आपस में फोर्स, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आप बोलेंगे सर लेकिन ये सब तो आपने बता दिया, ये नहीं बताया कि ये कहां से है म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। अबे अकल के पुतलो, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या? बायोट सेवर्ड लॉ वहां से आया है, बायोट सेवर्ड लॉ, या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ वो भी देख लेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। एनीवे, सो बायोट सेवर्ड, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, बायोट सेवर्ड लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ऐसे दो चीज है, ठीक है। सो एफ वन इक्वल्स टू माइनस एफ टू, वो यहां पे आया, और ये जो फॉर्मूला आया है बायोट सेवर्ड लॉ या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ से, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, बायोट सेवर्ड लॉ या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ। वैसे आपको बता दूं बायोट सेवर्ड रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसका सही उच्चारण है बीओ सवार्ट लॉ, बीओ सवार्ट, ठीक है, बीओ सवार्ट। एनीवे एनीवे एनीवे, तो ये भी हो गया हमारा, दो वायर के बीच में जो फोर्स रहता है, आज के बाद से दो वायर के बीच में जो फोर्स है इट इज म्यू नॉट आई वन आई टू एल बाई टू पाई आर, हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेंगे, बहुत ही सिंपल है। सो म्यू नॉट आई वन आई टू एल बाई टू पाई आर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहां गई भाई हमारी टेक्स्ट बुक? तो ये हो गया वायर्स पे। अच्छा अभी ये मोटर वोटर, मोटर वोटर देख लेते हैं अभी, ठीक है। सो नाम किधर गया इसका, हेडिंग किधर गया? हेडिंग नाम की चीज है कि नहीं, करंट लूप, टॉर्क ऑन अ करंट लूप, ठीक है, ये भी देखेंगे, मैं खाली देख लूं कितना बचा है, थोड़ा सा फिर उस हिसाब से तेजी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, ये वन शॉट वीडियो बनाना है ना भाई, पूरा चैप्टर का वन शॉट बनाना बोले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 15 जो है यानी कि घंटे लगते हैं इसको बढ़ाने में, 15 घंटे पूरा चैप्टर को शॉर्ट में मैं बना रहा हूँ तो 3 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। इट्स अ वेरी ह्यूज चैप्टर, ह्यूज चैप्टर, अरे कितना बड़ा है, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, अरे भैया कितना बड़ा रहेगा भाई। ये हो गया इसका सब न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में सेपरेट वन शॉट बनाते हैं, है ना। आप लोग ने आई होप के बाकी मेरे देखे होंगे, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, एंटायर फिजिक्स इन 20 डेज प्लेलिस्ट का नाम है, एंटायर फिजिक्स इन 20 डेज, वहां जाके चेक कर लीजिए, ठीक है, बहुत कुछ है भाई। और फटाफट देखें, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, अब देखते हैं कि ये मोटर वाला प्रिंसिपल क्या, मोटर का मोटर कैसे काम करता है। सो लेट्स चेक, एक्सक्यूज मी, तो सभी लोग ध्यान देंगे, अभी यहां पर है मान लो एक मैग्नेटिक पोल नॉर्थ पोल, और यहां पर है साउथ पोल, सो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां की तरफ जाएगी, यहां से यहां की तरफ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे हमने रख दिया लेट्स से करंट कैरिंग कॉइल, एक करंट कैरिंग कॉइल रखा हुआ है, तो ये है हमारा करंट
कैरिंग कॉइल, इसमें हम लोग ना करंट छोड़ा हुआ है, तो यहां से करंट छोड़ा है, यहां से करंट बाहर आ रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और यहां से बाहर आ रहा है। अरे हाँ के ना अकल के पुतलो। सो बेसिकली करंट यहां से ऐसा घूम फिर के आ रहा है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, करंट का डायरेक्शन तो हो गया ये है ना, और ये करंट इधर और इधर है। हाँ इधर भी है, ठीक है वो बात की बात है, तो इधर भी है ओके, बट पहले ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे लेसन इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं है, ये वाले इसको और ये वाले इसको। रीजन क्या है, करंट इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, करंट इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो एंगल दोनों के बीच में है जीरो, इन दोनों के बीच में 180, करंट इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर 180 का एंगल, करंट इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर जीरो का एंगल, जीरो का एंगल होगा या 180 का एंगल होगा तो आंसर जीरो आएगा, कोई फोर्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स इज बिल साइन थीटा, और साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है, इसलिए मैंने नहीं लिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं खाली इन दोनों पे फोकस करो। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, बहुत ही ध्यान से। ये है वायर जिसमें करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है उधर, तो फोर्स किधर है? तो सुनो इधर देखो, एक्सक्यूज मी, करंट लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड उधर, फोर्स अंदर की तरफ। देखो ना, करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड राइट में, मैग्नेटिक फील्ड राइट में, अरे करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड राइट में, फोर्स अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो फोर्स जो फील होगा आपको अंदर की तरफ फोर्स फील होगा। इसको देखो, इसकी बात हो गई है, अब इसको देखो, करंट इधर मैग्नेटिक फील्ड उधर, फोर्स बाहर की तरफ, फोर्स बाहर की तरफ। अब यहां के ना अगर थोड़ा 3D व्यू देखना चाहूं इस चीज को लेकर, थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसा रखूं, इस चीज को लेकर थोड़ा टेढ़ा करके रखूं 3D व्यू, तो कहानी कुछ ऐसी है, इस पे फोर्स है नीचे, इस पे फोर्स है ऊपर, ऐसा 3D व्यू ले रहा हूं, 3D व्यू। सो करंट जा रहा है इसमें ऐसे, इसमें करंट आ रहा है ऐसे, तो ये बंदा घूमेगा ना बे, ये बंदा घूमेगा, ठीक है। तो बेसिकली जब एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो ये घूमेगा लाइक दैट, आर यू अंडरस्टैंडिंग, लाइक दैट, लाइक दैट, तो घूमेगा। सो बेसिकली लिसन, दो फोर्सेस हैं, दोनों पैरेलल हैं, ऑपोजिट हैं, तो ये क्या बनाते हैं? टॉर्क बनाते हैं। तो टॉर्क ऑन लूप, ये लूप है ना, लूप, लूप है ना, कितना हो जाएगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। मतलब एक तरीके से टॉर्क नहीं, कपल है, कपल है, क्योंकि दो लोग है ना, एक ही होता तो टॉर्क होता। सो लिसन, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच का गैप, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू, तो देखो इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, बहुत सिंपल है, बिल है, बिल, साइन थीटा थीटा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो फोर्स इज बिल, समझे, फोर्स बिल है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैं लिख दे रहा हूं। अच्छा टॉर्क का सिंबल क्या है? टाओ, टाओ भाई, ताऊ नहीं है, टाओ, टाओ, ठीक है, टॉर्क का सिंबल है, अरे ऐसा घुमा फिरा के बना देने का, ठीक है, दैट इज टाओ, समझे, ओके फाइन। सो लिसन, टॉर्क, अब वैल्यू ऑफ द फोर्स कितना है? बिल, बी आई एल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है? दो फोर्स है ना, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर गैप कितना है? बी है, बी कितना? बी ब्रेथ, अरे ये ब्रेथ है मेरे भाई और ये लेंथ है मेरे भाई, एल, ठीक है, याद रखिए लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अरे बाबा लेंथ लिया ना वायर का बिल में, एल लिया ना, दिस इज लेंथ और ये ब्रेथ चौड़ाई, डिस्टेंस बिटवीन दो फोर्स, अरे दो फोर्स के बीच का गैप कितना है? बी, 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 ठीक है, तो इट इज बी आई एल इंटू बी, समझे, अरे समझे कि नहीं समझे। तो टॉर्क इज, टॉर्क इज बी आई एल बी, ठीक है,
वैल्यू ऑफ द फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, तो बी आई एल बी हो गया. नाउ लिसन, व्हाट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, व्हाट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सो इट इज एरिया बी आई ए, सो टॉर्क इज बी आई ए. नाउ लिसन, अगर 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 एक टर्न नहीं रहा कॉइल का, 10 टर्न रहा, तो फोर्स 10 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टॉर्क भी 10 गुना हो जाएगा. तो एन अगर टर्न्स रहेगी, फॉर एन टर्न्स, फॉर एन टर्न्स, एन टर्न्स रहा, सो टॉर्क विल बी एन आई ए बी, नायाब. ठीक है, ऐसे याद रखो, नायाब. अरे एन आ जाएगा ना इधर, ठीक है, तो नायाब, नायाब हो जाएगा, यूनिक, एकदम नायाब का मतलब यूनिक. ठीक है, अद्भुत, अद्भुत होता है, अद्भुत, अद्भुत. ठीक है, सो टॉर्क इज एन आई ए बी. सॉरी, कान के पर्दे फट तो नहीं गए भाई आप लोगों के, तबीयत मेरी बहुत खराब है, बट फिर भी सुबह को 5 बजे उठ के आपको पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ी आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है. तो बस प्रार्थना करते रहिए, दुआओं में याद रखिए. ठीक है, सो टॉर्क इज एन आई ए बी. अब इसी में लेसन सुनो, अगर ये कॉइल, कॉइल बेसिकली कॉइल अगर थोड़ा सा टेढ़ा रहता, मतलब पहले से सीधा नहीं रहता, थोड़ा टेढ़ा रहता, थोड़ा टेढ़ा रहता, तो फिर तो साइन 90 नहीं होता ना, फिर एंगल भी लेना पड़ता. तो उस सिनेरियो के अंदर यहां पे एंगल भी आ जाएगा, सो इट इज एन आई ए बी साइन थीटा, नायाब साइन थीटा. सो ये जनरल फॉर्मूला है. ठीक है, ये कॉइल का मतलब, कॉइल के ऊपर कितना टॉर्क है, कपल है, कपल भी बोलते हैं, दो दो टॉर्क है या दो फोर्स है, तो उसको बोलते हैं कपल, बट बोलते कपल है, लिखते टॉर्क ही है. ठीक है, तो एन आई ए बी साइन थीटा, चलिए एनीवे एनीवे, तो ये हो गया टॉर्क. ठीक है, समझ में आ गया टॉर्क, समझ में आ गया. आगे बढ़े, अब देखते हैं व्हाट इज बीओ सावर्ट्स लॉ. चलिए फिलहाल मैं इसको बायोट सावर्ट ही बोलता हूं, बायोट सावर्ट्स लॉ, और देखते हैं कि क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ. एम्पियर सर्किटल लॉ, सो बायोट सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या चीज है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो बायोट सावर्ट लॉ क्या कह रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो बेसिकली एक है आपके पास टेढ़ा मेढ़ा सा वायर, इसके ऊपर छोटा सा इसका हिस्सा ले लेते हैं टुकड़ा, जिसे हम कहते हैं डीएल टुकड़ा, क्योंकि छोटा सा लेंथ है ना, छोटा सा लेंथ है, छोटी सी लेंथ, तो बेसिकली डीएल. अब एक पॉइंट है, कोई तो एक रैंडम पॉइंट है जिसका नाम है पी, एक रैंडम पॉइंट पी है, रैंडम पॉइंट पी. तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कह देते हैं आर. क्या नाम दे देते हैं उसको, आर नाम दे देते हैं, आर. तो उसको नाम दे दिया हमने आर, समझ पा रहे, आर नाम दे दिया. अब इन दोनों के बीच में मतलब ये जो डीएल है और जो ये आर है, डीएल और आर, डीएल और आर, इनके बीच में एक एंगल भी है, ध्यान से देखो, एक एंगल भी है, ये जो एंगल है थीटा है ना, एक एंगल है ना भाई थीटा. अरे एक सेकेंड, ये पॉइंट पी अगर यहां पहुंच गया तो एंगल चेंज हो जाएगा ना भाई, एंगल कुछ और हो जाएगा. ये पॉइंट पी अगर यहां पहुंच गया तो एंगल चेंज हो जाएगा. अरे समझ रहे हो अकल के पुतलो, हाँ के ना, जीरो एंगल हो जाएगा, जीरो, ये जीरो एंगल हो गया. पॉइंट पी यहां रख दिया 180 एंगल हो गया, यहां रख दिया 90 एंगल हो गया, मतलब समथिंग लाइक दैट. अरे किधर गया भाई, क्या हो रहा है, ये हमारे साथ खेला हो रहा है का. अरे चलिए एनीवे, ऐसा हो जाता है एक बार, थोड़ा टेढ़ा खड़े के बना रहा हूं ना मैं, तो यहां पे रहेगा तो 90 हो जाएगा एंगल, 90. ठीक है, चलिए, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि एंगल है, ठीक है, एंगल है, वही मुझे समझाना था कि एंगल है थीटा. तो बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है कि छोटू सी मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है, किसकी वजह से बनती है, करंट की वजह से. इसमें करंट बह रहा है ना भाई, इसमें करंट बह रहा है, कितना करंट बह रहा है, आई. तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो छोटू मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो करंट पे निर्भर करती है, वो इस लंबाई पे जो आपने एलिमेंट की लंबाई चुनी है उस पे निर्भर करती है. बड़ा एलिमेंट लोगे तो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड, छोटा एलिमेंट लोगे छोटी मैग्नेटिक फील्ड, करंट ज्यादा लोगे मैग्नेटिक फील्ड बड़ी, करंट कम लोगे मैग्नेटिक फील्ड छोटी. वो डिपेंड करती है साइन ऑफ द एंगल पे भी, और इनवर्सली डिपेंड करती है आर स्क्वायर पे भी. डिपेंड करती है बोला तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन. ठीक है,
सो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है करंट पे, लेंथ पे, साइन थीटा पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे भी, इनवर्सली इनवर्सली इन लोग तीनों पे डायरेक्टली, इस पे इनवर्सली। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमें मिलेगा कॉन्स्टेंट, सो डीबी इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यही है आपका बायोट सेवर्ट लॉ, जहां पे म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10^-7, ठीक है, और इसे कहते हैं मैग्नेटिक, चलो चल का ही नहीं रहे, मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी, सो मैग्नेटिक परमीएबिलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। सो बायोट सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में ये ऐसा है, डीबी इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, ठीक है, अपॉन आर क्यूब, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको और देखो, क्योंकि यहां पे पूरा आर लिखा है ना तो ये नीचे आर क्यूब आएगा, अगर पूरा आर नहीं लिखोगे सिर्फ डायरेक्शन लिखोगे तो ये ऐसा आएगा, इसको राइट लीजिए, बहुत ही सिंपल है, म्यू नॉट, अरे बाबा, हाँ, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप, अगर खाली डायरेक्शन लोगे तो नीचे आर क्यूब करने की जरूरत नहीं, आर स्क्वायर रहेगा जैसा पहले आर स्क्वायर था, ठीक है। अरे समझो, ये साइन थीटा है ना क्रॉस में चला गया, साइन थीटा क्रॉस में घुस गया है, ठीक है, और डायरेक्शन चाहिए था अपने को तो यहां पे अपन ने आर कैप ले लिया, तो आर कैप लोगे ऊपर तो नीचे आर स्क्वायर ही लिखोगे, ऊपर पूरा वेक्टर आर ले लोगे ना तो नीचे एक आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसी को 3-4 बार रिवाइंड करके सुन लो, ठीक है। तो अरे ये मेरे बड़े वाले जो लेक्चर्स है ना उसमें डिटेल में समझना, अकल के बुदलो, अभी रिवीजन के लेक्चर चल रहे हैं, वन शॉट लेक्चर चल रहे हैं, इसमें कैसे पूरा डिटेल में समझाऊं, शॉर्ट में बनाना ना, 3 घंटे के अंदर वीडियो कंप्लीट करना है कैसे भी करके, 3 घंटे से ऊपर वीडियो गया तो फिर वन शॉट थोड़ी वीडियो है, फिर क्या फायदा रहा उसका, लोग 8-8 घंटे का वन शॉट बना रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, क्या फायदा 8 घंटे का वन शॉट बना के, 8 घंटा कौन देखता है, 3 घंटे लोग देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है 3 घंटे ही देख ले लोग। चलिए, तो बच्चे जो रहते हैं उनको आजकल क्या क्विक चाहिए, क्विक, आप लोग जो है काफी नटखट बच्चे हैं, आप लोगों को सब कुछ क्विक चाहिए, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि भाई कम से कम 3 घंटे में खत्म करा दूं, 15 घंटे का चैप्टर है तो 3 घंटा तो लगेगा, उससे कम करूंगा तो फिर तो कुछ भी बन नहीं पाएगा, है ना, फिर आप लोग क्या लिखेंगे क्या करेंगे। ये तो हो गया भैया बायोट सेवर्ट लॉ, अब आते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ पे, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, सो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई एन क्लोज्ड, ठीक है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एन क्लोज्ड, बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई एन क्लोज्ड। सो इसको अगर मैं बोलना चाहूं अंग्रेजी में तो कैसे बोलूंगा, एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे बोलूंगा, तो मुझे कहना होगा द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर अ लूप इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक परमिया, द प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लाई है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। वापस एक बार, आखिरी बार, द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर द लूप, क्लोज्ड लूप इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, ठीक है। अरे हम रट्टा नहीं मारते भैया, जितनी बार हमसे पूछोगे उतनी बार थोड़ी सी अलग अलग डेफिनेशन बताएंगे तुमको, ठीक है। इसको फ्री स्पेस की बोल रहा हूं क्योंकि वैक्यूम के लिए ना, वैक्यूम के लिए म्यू नॉट, नॉट कब लगाते हैं, वैक्यूम के लिए लगाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि निकल के बदलो मैग्नेटिक, अरे closed integral of magnetic field induction over a closed loop is numerically equal to magnetic permeability of free space times the current enclosed by the loop, ठीक है, याद रखो। यहां भी क्या कह सकते हो, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट, the size of the element,
द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द एलिमेंट टू द पॉइंट एंड द एलिमेंट इटसेल्फ. साइन ऑफ एंगल बिटवीन वॉट द एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट एंड द पॉइंट. साइन ऑफ एंगल बिटवीन एलिमेंट, एंगल किसके बीच में, एलिमेंट एंड द लाइन, लाइन लाइन कौन सी लाइन, कौन सी लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द एलिमेंट टू द पॉइंट. एकदम सिंपल है. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड द पॉइंट. स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एलिमेंट एंड द पॉइंट. ठीक है, ओके. तो ये हो गया अपना बायो सेवर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किट लॉ. अब इसका भैया इस्तेमाल क्या है, इस्तेमाल क्या है, इस्तेमाल है तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे इसका इस्तेमाल. इधर देखो, किसी ने आपसे बोल दिया कि मेरे पास है एक वायर जिसमें करंट है आई, उसकी फील्ड यहां पर कितनी होगी, इस पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी, इस पॉइंट पी पर फील्ड कितनी होगी. तो बहुत ही सिंपल है क्या करने का, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक लूप बनाने का, लूप क्या बनाने का, लूप. ठीक है, लूप बना देने का, लूप, क्योंकि ये एम्पियर सर्किट लॉ है, सर्किट लूप, लूप. ठीक है, लूप बनाने का. और यहां पे भी लूप की बात की थी ना, लेंथ बोल रहे हैं, लूप की लेंथ है, इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप. ये इमेजिनरी लूप है, एम्पीरियन, एम्पियर ने बनाया इसलिए एम्पीरियन लूप, एम्पियर ने बनाया ना भाई, सो एम्पीरियन लूप बना दिया. अब सुनो, इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहां से यहां के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, आर बोलते हैं. अरे यहां से यहां के डिस्टेंस क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं ना भाई मेरे, है कि नहीं. अब अपन सॉल्व करेंगे इसका LHS, LHS, LHS में क्या लिखा हुआ है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ये लिखा है ना, जिसका मतलब होता है बी डी एल कॉस थीटा. ये कैसे आया, कॉस थीटा कैसे आया भाई, बी डी एल कॉस थीटा, डॉट हटा दिया ना, डॉट हटा दिया, डॉट हटा दिया तो कॉस थीटा. अब B और DL के बीच में, B और DL के बीच में एंगल कितना है, अरे B और DL के बीच का एंगल है ये, तो B और DL के बीच में एंगल कितना है, लिसन इट्स वेरी इजी, ये है आपका करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी रही, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रही ना, ऐसी ऐसी, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है. और ये लूप की जो लंबाई है वो कैसी है, लिसन अगर मैं यहां देखूंगा तो लूप की लंबाई का डायरेक्शन ये है, यहां देखूंगा तो लूप की लंबाई का डायरेक्शन ये है, यहां देखूंगा तो लूप की लंबाई का डायरेक्शन ये है, मतलब वो भी ऐसे ही है. तो ये हो गई लूप की लंबाई का डायरेक्शन. अबे समझो बे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ऐसे चल रही है, टेंजेंशियली ऐसे चल रही है, और डीएल भी ऐसे ही चल रहा है, डीएल भी ऐसे ही चल रहा है. अबे हाँ के ना, यहाँ पे डीएल है, इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, खत्म हो गया ना यार, क्या इतना सोच रहे हो. ठीक है, बहुत ईजी है. सो बी ओ डी एल की एंगल है जीरो, थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री, बट थीटा कितना, जीरो डिग्री है, सो देयरफॉर सो कॉस जीरो इज वन, सो ये हट जाएगा, है ना. सो यह बन जाएगा LHS की वैल्यू आ जाएगी BDL cos 0 1 हो गया. नाउ लिसन, इस लूप के ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है लूप के ऊपर. इस वायर से 2 सेंटीमीटर चाहे इधर जाओ, 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 एक ही फील्ड रहेगी. तो लूप के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, लूप के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, क्लोज इंटीग्रल ओवर द लूप, रिवाइंड करके सुन लो. ठीक है, तो बी बाहर, तो बी आया बाहर, डीएल हाँ के नाकल के पुतलो, तो ये बन जाएगा बी, अरे बी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डीएल ये सारे डीएल जोड़ दूंगा अगर मैं, ये छोटे छोटे डीएल अगर मैं जोड़ता चला गया, जोड़ता चला गया, जोड़ता चला गया, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सरकमफेरेंस मतलब 2πr, क्या बन जाएगा, 2πr. तो LHS की मेरी वैल्यू हो गई बी इंटू 2πr, बी इंटू 2πr. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2. आप बोलेंगे हैं इक्वेशन 1 किधर है, अरे इक्वेशन 1 खुद ये लॉ है, तो लॉ किधर गया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1. ठीक है, LHS ले लिया, हो गया इक्वेशन 2. अरे LHS क्या हो गया, इक्वेशन 2 हुआ ना भाई, हाँ क्या ना. अब हम लोग आ जाते हैं RHS सॉल्व करने पे, RHS, तो RHS जो है, RHS जो है राइट हैंड साइड जो है उसमें क्या दिया हुआ है भैया, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड. तो लिसन, म्यू नॉट तो मैंने लिख दिया, अब करंट कितना बंद है इसके अंदर, इसके अंदर करंट कितना बंद है, एक ही तो करंट बंद है ना, आई, तो आई एनक्लोज कितना है, आई है, खत्म हो गया, RHS खत्म. यह इक्वेशन 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 वी गेट क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, अरे LHS RHS बराबर है ना,
तो मिलेगा बी टू पाई आर इज म्यू नॉट आई, क्या मिलेगा बी टू पाई आर इज म्यू नॉट आई, तो ये बन जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, राइट। ठीक हुआ, ज्यादा स्टाइल मार लिएगा हम, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। अबे बाबा ये कहाँ देखा था, एक सेकेंड कहीं तो देखा है इसको हमने, कहाँ देखा है भाई, कहाँ देखा है। अबे किधर चला गया, अबे नदारद हो गया क्या, गायब हो गया, अरे रे 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 किधर गया, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर खात्मा हो गया क्या त्योहार, अरे खत्म था भी कि नहीं था, तो बड़ा करते पता चला कि गायब ही हो गया, अरे हमारी सारी लिखाई गई किधर, इधर है देखो म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर किधर है, तुम लोग को दिख रहा है, तुम लोग के पास बर्ड्स आई व्यू है, बर्ड्स आई व्यू तुम लोग वहां से देख सकते हो, मैं यहां से देख नहीं सकता कभी कभार, मुझसे मिस हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे खड़े के डायरेक्टली देखता है उसको कभी कभार कोई कोई चीज नहीं दिखाई देती है। देखो चेक करो है क्या, है क्या इधर, क्या अभी अभी लिखा ही नहीं देखा कभी जिंदगी में। चलो काफी टाइम तुम्हारा वेस्ट हो रहा है भाई, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ इधर है ना भाई, है ना मैग्नेटिक फील्ड में है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, सीधे वायर की गोल फील्ड है म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, देखो म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, सो इधर लिखा हुआ है। चलिए एनीवे आई होप आपको समझ में आया, तो मैंने आपको अभी बताया है एमपीएस सर्किटल लॉ का एक एप्लीकेशन, ठीक है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली समझिए इस बात को, ठीक है। सो आपको इतना बोर्ड्स में पढ़ लेना है, इतना पढ़ लेंगे आपको गारंटीड इसमें है ना, इसमें गारंटीड, अगर आपने पूरा का पूरा मेरे से वन शॉट वीडियोस देख लिए 20 दिन के पूरे वन शॉट वीडियोस, तो गारंटी देता हूं आपको कि फिजिक्स में आपको 80-90% मार्क्स मिलेंगे, जो भी होगा उसका 80-90%, 70 में से आपको कम से कम 60-65 मिलेंगे, समझ रहे, पूरा देख लीजिए स्टार्ट टू एंड। ओके फाइन, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान से देखिएगा। सो बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपको आ गया। अच्छा लिसन, मैं आपसे लोग से जानना चाहता हूं एक बात, अगर एक करंट नहीं होता, अगर करंट होते तीन चार, जैसे एक करंट इधर है, मान लो ये आई वन है, ये आई टू है, ये आई थ्री है, तो क्या करते, सुनो ऊपर वाले करंट को लेना है पॉजिटिव, नीचे वाले को लेना है नेगेटिव, तो तुम्हारा आंसर होता आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री, आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री, समझ गए, नहीं आई टू नीचे, सो आई वन माइनस आई टू प्लस आई थ्री, ये तुम्हारा आंसर होता, यहाँ पे तुम्हारा ऐसा आ जाता, ये जो आई एनक्लोज है ना इसकी वैल्यू आ जाती आई वन माइनस आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है। अरे भाई समझे के नहीं समझे मेरे दोस्त, तो ऐसा आ जाता, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। तो जितना भी रहे, चाहे मान लो ये 2 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, सो 2 प्लस 3 5 एम्पियर, 5 माइनस 1 4 एम्पियर, तो यहाँ पे आ जाता आपका 4 एम्पियर आ जाता, ठीक है। चलो ये तो हो गया एम्पियर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन, अब बायोट सर्किट लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं। तो किसी ने आपसे सवाल पूछ लिया, तो सवाल किसी ने पूछा है कि हमारे पास है एक गोल वायर, ये गोल वायर में करंट है, इधर करंट ऐसे घूम रहा है गोल वायर में, अब सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, ठीक है। तो वो अब हमको निकालना है, क्या करने का, बायोट सेवर्ट ने क्या बोला था कि छोटा सा टुकड़ा चुन लेने का जिसका साइज रहेगा डीएल, और वो जो पॉइंट भी है जहां पे फील्ड जानना है, इसके सेंटर से उस सेंटर तक एक डिस्टेंस आर बना देने का, अरे याद आया कि नहीं आया, और ये एंगल थीटा बना देने का, थीटा याद आया बेटा, अरे बेटा इधर ही है, देखो बच्चा लो, प्यारे प्यारे बच्चा लो, किधर गया ये, इधर ही है, अबे देखो ना भे, जो भी वायर है उस पर छोटा सा एलिमेंट डीएल बनाने का, पॉइंट पी तक का डिस्टेंस आर बनाने का, और एंगल थीटा बनाने का, ठीक है। तो हमने कर दिया, तीनों काम कर दिए, तो वायर जो है हमारा गोल है, गोल वायर है, उसमें करंट आई बह रहा है, डीएल ले लिया, आर ले लिया, और थीटा ले लिया, ठीक है। तो अब लिसन, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ डीबी क्या होता है, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, चेक कर लो बायोट सेवर्ट लॉ,
क्या है म्यू नॉट बाई फोर बाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बट थीटा कितना है 90 है, 90 कैसे, ये देखो अबे ये इधर है सेंटर की तरफ नीचे और ये इधर है, डीएल इधर है और आर इधर है, डीएल इधर है आर इधर है, तो 90 का एंगल है, थीटा 90 है, तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, समझ पा रहे बेटा? सॉरी आज तो हालत ही खराब हुई मेरी, साइन 90 इज 1 गया ये। सो डीबी इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर बन गया, ठीक है। हाँ क्या ना, अब इसका इंटीग्रेशन करो, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन दोनों बाजू में और वो भी क्लोज इंटीग्रेशन करो, ठीक है। सो म्यू एक सेकेंड म्यू नॉट और 4 पाई तो कॉन्स्टेंट है ना, बाहर निकाल लो, अरे बल्कि एक सेकेंड अरे सभी कुछ कॉन्स्टेंट है, अरे ये देखो एक करंट कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर अरे आर क्या है, ये देखो ये डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस ये तो फिक्स है ना, अरे कहीं भी चले जाओ इस पूरे सर्कल पे, कहीं भी चले जाओ आर फिक्स है, अरे तो भैया सब फिक्स है, पूरा बाहर निकाल लो, पूरा बाहर निकाल लो पूरा। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर पूरा बाहर निकाल लो, अंदर बच जाएगा डीएल और डीएल, सारे डीएल जोड़ दो, सारे डीएल जोड़ दो, सारे डीएल जोड़ दो, सारे डीएल जोड़ दो, कितना डीएल ये है ना, ये डीएल है, सारे डीएल जोड़ दो, क्या बन जाएगा 2 पाई आर, क्या बन जाएगा 2 पाई आर, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा अकल के बुतलो, एक सेकंड, ये बी हो गया, अरे बी हो गया ना ये, अरे इसका इंटीग्रेशन हो गया, क्या बन जाएगा ये बी बन जाएगा ना भाई, बी बन जाएगा। सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर और डीएल के बदले आ जाएगा 2 पाई आर, तो 2 कैंसल, पाई कैंसल और एक आर कैंसल, ठीक है, समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो बेसिकली क्या बचा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर, दैट्स इट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर वायर सीधा है तो उसकी फील्ड गोल है, वायर सीधा है तो उसकी फील्ड गोल है, फील्ड गोल है, फील्ड गोल है, और उसका फॉर्मूला है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, गोल फील्ड है। और अगर वायर ही गोल है, वायर ही गोल है तो फील्ड बीच में से सीधी है, बीच में से एकदम सीधी निकलती है, बीच में से, ये देखो ऐसा घुमा दो, ऐसा घुमा दो, अंगूठा बाहर आ रहा है, जो भी गोल है उसके लिए उंगलियां यूज कर लो और जो भी सीधा है उसके लिए अंगूठा यूज कर लो, सीधा बाहर आ रहा है, इसकी फील्ड सीधी है तो इसमें पाई नहीं आएगा, इसमें पाई नहीं आएगा, तो बेसिकली फील्ड जो है इसकी सीधी है, बन जाएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर, वही निकाला हम लोगों ने। तो सीधे वायर की फील्ड है गोल और गोल वायर की फील्ड है सीधी, इसमें पाई है, इसमें पाई नहीं है। अरे आई होप कि तुम्हारी खोपड़ी में सारी बातें घुस चुकी है भाई, तुम लोग समझ पाए हो ना मैं क्या क्या कहना चाहता था, ठीक है, मेरी सारी बातें समझ गए बेटा, सब लोग समझ गए। तो ये है आपका बायो सेवर्ड और एमपीएस सर्किटल लॉ। चलिए टेक्स्ट बुक की ओर लौट चलते हैं। सो मोटर वोटर हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया बायो सेवर्ड लॉ है ना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर हो गया, मतलब ऑलमोस्ट सभी कुछ हो चुका है, राइट, परफेक्ट। ये सब तो न्यूमेरिकल्स है, ये सब तो अगले सेशन में देखेंगे हम लोग, मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल सेक्शन में, मतलब न्यूमेरिकल सिंथेसिस मतलब सैंपल प्रॉब्लम्स है ना ये सब, देख लो उसमें से कुछ और बचा तो नहीं है, नहीं सब कुछ हो गया परफेक्ट। दैट्स इट, तो चैप्टर खत्म हो गया, लास्ट दो फॉर्मूले लिख के दे रहा हूं आपको, दो फॉर्मूले, खाली फॉर्मूले में ध्यान दीजिए, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो अगर आपके पास एक सपोज ये रहा स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर उसकी मैग्नेट फील्ड कितनी रहेगी, अगर वो इनफाइनाइट साइज का है, इनफाइनाइट साइज का है तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, अभी आया था ना म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, लेकिन अगर वो फाइनाइट साइज का है तो इट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जहां पे थीटा क्या है जानते हैं, अगर फाइनाइट साइज का है, इनफाइनाइट नहीं है, तो पॉइंट पी से उधर एक लाइन बनाने का, इधर एक लाइन बनाने का, ठीक है, और बीच में एक लाइन बनाने का ऐसे, तो ये एंगल है थीटा 1, ये एंगल है थीटा 2, बस तो ये डाल देने का, यहाँ पे डाल देने का, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है, ये फॉर्मूला है स्ट्रेट वायर का। अगर आपने सोलेनॉइड लिया, सोलेनॉइड, व्हाट इज अ सोलेनॉइड, ऐसा रहता है ना सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की शक्ल ऐसी रहती है,
तो सोलेनोइड लिया तो उसका फील्ड रहेगा म्यू नॉट एन आई, क्या लगता है म्यू नॉट एन आई सोलेनोइड का फील्ड, ठीक है। अंदर अंदर बीच में रहोगे ना, अंदर अंदर कहीं पे भी इतनी फील्ड रहेगी, लेकिन अगर एकदम बाहर निकल जाओगे ना बिल्कुल एंड में अगर एकदम एंड में आ गए तो फील्ड हो जाती है आधी, इट इज हाफ म्यू नॉट एन आई। जहां पे एन क्या है पूछोगे, सर ये एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अरे एक लेंथ में कितना वायर बांधा है, तो इस लंबाई में कितना वायर बांधा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बी को सो म्यू नॉट एन आई, ये हो गया सोलेनोइड, वो हो गया फाइनाइट साइज का स्ट्रेट वायर फाइनाइट साइज का। एंड फाइनली एक होता है टोरॉइड, तो टोरॉइड कैसा रहता है ऐसा, सोलेनोइड का बड़ा भाई, इसका भी फॉर्मूला सेम आता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, सेम, लेकिन इसमें n by l नहीं है, भले क्या है n by 2 pi r। अरे ये सीधा है तो इसकी लंबाई भी सीधी है, ये गोल है तो इसकी लंबाई भी गोल है, और गोल लंबाई को बोलते हैं 2 pi r, गोल लंबाई को क्या बोलते हैं 2 pi r, समझ गए। तो यहीं पर हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, इसमें क्या क्या आप और चाहते हैं, मतलब चीजें, और मैं क्या करूं इस कोर्स के अंदर, तो मैं ये 20 दिन मैंने आपको इसलिए दिए हैं, आपको हर 4 दिन के बाद एक दिन रेस्ट लेना है, और 16 दिन रेस्ट लेना मतलब उसमें कुछ और भी पढ़ना है ना, मतलब कुछ और, मतलब इन द सेंस एंट्रेंस पढ़ना है आपको फिजिक्स का एंट्रेंस थोड़ा सा। अभी बोर्ड्स के लिए बचे हैं 20 दिन, लेकिन आप मतलब 20 दिन नहीं 30 दिन से ज्यादा बचे हैं। कितना तारीख है आज यार, आज तारीख है 14 तारीख है 14 है। अपना फिजिक्स का पेपर महाराष्ट्र बोर्ड का मैं बता रहा हूँ 27 का है, 27 का है, तो फिजिक्स तो अभी है काफी दिन है, 1 महीना 13 दिन, 43 डेज है, बट प्रैक्टिकल्स एग्जाम भी हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। अच्छा प्रैक्टिकल से याद है, मैंने आपके प्रैक्टिकल्स बना के है ना पूरा प्लेलिस्ट में डाल दिया है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स 12th, ऐसा करके प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे सर्च कर लो, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सर्च करो, प्लेलिस्ट में जाओ ऊपर टैब में, प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ और सर्च करो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स 12th, तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल्स का भी मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकल्स की भी आपकी तैयारी हो जाएगी, प्रैक्टिकल्स अभी चालू होने वाले हैं, फेब के फर्स्ट वीक में चालू हो जाएंगे हर कॉलेज में। तो बेसिकली प्रैक्टिकल्स भी पढ़ना है और 20 दिन के अंदर अपने को सब कुछ कवर करना है। तो मैंने 20 दिन में क्या किया ना, कैसा 16 चैप्टर्स हैं, तो 4 चैप्टर लगातार 4 दिन पढ़ना है, फिर 4 चैप्टर लगातार 4 दिन, 4 चैप्टर लगातार 4 दिन, ऐसा करके आपको पढ़ना है, ठीक है, ऐसा 4 बार में, और बीच में एक दिन गैप लेना, वो गैप में कुछ और करना है, जैसे कि एंट्रेंस पढ़ लेना है, कुछ और पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स एकदम लगातार नहीं पढ़ पाओगे भाई आप, ठीक है। और साइड बाय साइड दूसरे सब्जेक्ट्स को भी आपको ध्यान देना है, तो थोड़ा उस हिसाब से मैनेज करो। अब साल भर अगर नहीं मेहनत किया तो भाई अभी मेहनत कर लो और फिर इसमें पढ़ाई करो, और अपने दोस्तों के साथ ये सब चीजें शेयर करो, ठीक है, ये जो भी है ताकि उनको भी फायदा मिले। बेचारे ने अगर कुछ पढ़ाई नहीं किया तो कम से कम उसे कुछ तो आएगा ना, ठीक है। तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर कर लिया, थैंक यू वेरी मच।